वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के न्यू मॉडल पेपर के बारे में जो कि बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए बहुत हेल्पफुल होगा तृतीय वर्ष का मतलब होता है बी थर्ड ईयर या बी फाइनल ईयर या बी पार्ट थ्री जिसको आप बोलते हैं या बी भाग तीन थी, ठीक है तो आप अगर बी थर्ड ईयर में हैं तो आपको पेपर वन के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस के लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में पढ़ना होता है अर्थात प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानना होता है तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉलिटिकल साइंस के जो पहला पेपर है आपका अभी थर्ड ईयर में लोक प्रशासन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों के बारे में यानी दस अति लघु उत्तरीय प्रश्न दस उत्तरीय प्रश्न और लगभग और लगभग पाँच दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको बता दूं कि दूसरे पेपर में हमको इंडियन पॉलिटिकल थाट के बारे में जानना होता है यानी भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में और जो तीसरा पेपर होता है आपका उसमें हमको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना होता है जिसको आप हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं तो एक प्रकार से तीन पेपर आपका होता है बी ए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस का और तीनों पेपर से रिलेटेड रेले, वीडियो ऑलरेडी आपके चैनल पर अवेलेबल हैं और ये न्यू मॉडल पेपर है आपकी परीक्षाओं के लिए चूँकि आपको बता दूं कि एक मॉडल पेपर में उतना गहराई से आप ना समझ पाते हैं तो दूसरा मॉडल पेपर जब आप देख लेते हैं या जब एक दो मॉडल पेपर आप हमारे देख लीजिएगा एक भी प्रश्न आपका कहीं से अलग से नहीं आएगा लोक प्रशासन के सिद्धांत बस ऐसे ही प्रश्न आएंगे लोक प्रशासन के सिद्धांत को लेकर के जो इस वीडियो में हमने रखे हैं तो आइए उन्हीं प्रश्नों को मैं चर्चा करने का प्रयास करता हूं बिना समय गवाए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बी ए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के लिए दो हज़ार की परीक्षाओं के लिए ठीक है आइए देखते हैं देखिएगा बी ए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान लोक प्रशासन के सिद्धांत पेपर वन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सॉल्व वाले पेपर होगा 2023 की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखिए तीन खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है खंड आ खंड बा और खंड सा खंड आ से अति लघु उत्तरीय खंड बा से लघु उत्तरीय और खंड सा से दीर्घ उत्तरी टाइप के आपके प्रश्न पूछे आते हैं जो अति उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनकी शब्द सीमा यानी उनके उत्तर को आपको 50 शब्दों में लिखना होता है जो उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको आपको 200 शब्दों में लिखना होता है और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनके उत्तर को आपको पाँच शब्दों में लिखना होता है पचास शब्दों को लेकर के अगर मैं बताऊं आपको तो लगभग चार लाइन पांच लाइन में अगर आप उत्तर लिख दीजिए तो हो गया पचास शब्द ठीक है तो चूंकि एक लाइन में आप आठ से दस शब्द लिखते हैं लगभग ठीक है तो वो आपकी अगर तीन चार मतलब कि चार से पांच लाइन में अगर उत्तर आप लिखते हो पचास शब्दों वाला तो आपका हो जाएगा ये और लगभग अगर आप दो पेज की बात की जाए तो एक पन्ने एक एक कापी में लगभग कितने पेज होते हैं आपके मतलब कि लगभग कितनी लाइनें होती हैं लगभग 12 से 15 लाइन होती है या फिर बड़ी कापी तो उसमें 12 से 15 में उसमें 10 दस उस लाइन आप मान सकते हो जो भी होती है तो अलग अलग कापी में तो जैसी भी लाइन हो तो उसमें या, ये डिनोट नहीं करता बी ए में खास करके कि आपने कितना प्रश्न लिखा कितने शब्दों में लिखा है एग्जामिनर जो देखता है वो देखता है कि कापी में कुछ लिखा रहेगा तभी नंबर देगा तो आपको बस लिखना है कापी में और ऐसा भी नहीं कि आप आम घास लिख करके बहुत ज़्यादा आइएगा रिलेटेड लिखिएगा जो भी प्रश्न है उससे रिलेटेड अगर आपकी नॉलेज रहेगी तो जबरदस्त तरीके से आपको नंबर मिलेगा बस आपको क्या करना है आम घास नहीं लिखना है कि आप अपने एक प्रकार से पूर्व जन्म की कहानी और ये सब बता करके उसमें ठीक है सत्यनारायण जी की कथा लिख करके आ गए तो आपको नंबर दे देंगे तो आपको नंबर नहीं देंगे उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा आप बुरा मत मानिएगा सत्यनारायण जी के बारे में मैंने बोल दिया क्योंकि सत्यनारायण जी की कथा मैं वाँचता हूँ तो वही ध्यान में आ गया मेरा तो माफ़ कीजिएगा उसके लिए बाकी मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अगर आप कोई इधर उधर की चीज़ें लिखेंगे उसमें कि भाई हे भगवान हमको पास कर दो हे अल्लाह हमको पास कर दो हे हम ईसा ईसा मसीह हमको पास करवा दो ये भगवान हम प्रसाद चढ़ाएंगे तो हम हमको पास कर दीजिए हे टीचर जी हमको ऐसे तमाम सारे बच्चे लिख करके आते हैं इंटर हाई स्कूल में आपकी बार कापी चेक हुई है बहुत बच्चों की कापी में ऐसा लिख करके मिला है ठीक है तो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें थोड़ा अटपड़ लगती हैं एग्जामनर को भी और जो कापी चेक करने वाला होता है तो आपको करना क्या है कि भाई प्रश्न से रिलेटेड प्रश्नों को लिखना है ठीक थी? है तो 200 शब्दों के उत्तर को आप जो है लगभग दो से तीन पेज दे सकते हो ठीक है दो से तीन पेज में आपका हो जाएगा और आप पाँच सौ वाले शब्दों को आप चार पेज दे सकते हो बहुत सारे लोग पाँच पेज में भी लिखते हैं तो चार से पाँच पेज आप दे सकते हो इसको ठीक है पाँच सौ शब्दों को तो दो प्रश्न आपको करना होता है पाँच सौ शब्दों वाले और पाँच प्रश्न करना होता है आपको दो सौ शब्दों वालों को और दस क्वेश्चन करना होता है आपको पचास शब्दों वाले में ठीक है तो इस प्रकार से आपको दस पाँच पंद्रह दो सत्रह प्रश्न करने होते हैं चलिए अब इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकता है लोक प्रशासन के बारे में बताए प्रश्न आपसे पूछा गया भाई लोक प्रशासन क्या है अच्छा लिख करके ऐसे छोड़ दिया गया लोक प्रशासन इसका मतलब ये है कि लोक प्रशासन के बारे में आपको बताना है लोक प्रशासन क्या है या लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं या लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न यहाँ से आपके बन सकते हैं तो कुल मिलाकर के जब ऐसे लिख करके आपके पेपर में छोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि पचास शब्द आप उस पर्टिकुलर शब्द के बारे में लिखें तो लोक प्रशासन लोक माने क्या होता है पब्लिक प्रशासन माने होता है एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा तो लोक प्रशासन की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा सरकार की समस्त क्रियाएं जब सार्वजनिक अथवा लोकहित के लिए संपन्न की जाती हैं अतः सरकारी कार्यों के प्रशासन को ही हम क्या बोलते हैं लोक प्रशासन बोलते हैं ठीक है सामान्य भाषा में लेकिन अगर विद्वानों के अनुसार हम देखें परिभाषाओं को यानी सभी पर प्रशासन करना सरकार के द्वारा जो तमाम प्रकार की सार्वजनिक या लोकहित के लिए लोक कल्याण के लिए क्रियाएँ की जाती हैं उन्हीं क्रियाओं को हम प्रशासन बोलते हैं और जब ये जनता के हित में होता है लोगों के हित में होता है तो उसको हम लोक प्रशासन बोलते हैं पब्लिक चूँकि पब्लिकों के लिए पब्लिक के लिए है तो इसीलिए ठीक है तो विद्वानों ने इसके अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है बिलोबी महोदय कहते हैं परिभाषा को देते हुए लोकतंत्र की कि अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन जो होता है ये उस कार्य का प्रतीक है जो सरकारी कार्यों के वास्तविक संपादन से संबंध होता है और चाहे वह सरकार की शाखा से संबंधित क्यों ना हो अपने संकुचित अर्थ में वह केवल प्रशासकीय शाखा की कार्यवाही की ओर संकेत करता है ऐसा बिलोबी बताते हैं लोक प्रशासन के बारे में लोक प्रशासन से रिलेटेड अगर आपको विधिवत जानकारी ग्रहण करनी है तो हमने चैप्टर वन आ, पढ़ा दिया है लोक प्रशासन के बारे में वो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है आप प्ले में देख पा रहे होंगे बोर्ड पर मैंने पढ़ाया था उसको तो आप लोक प्रशासन का पेपर नंबर मतलब चैप्टर नंबर वन देख लीजिएगा उसमें मैंने विस्तार से लोक प्रशासन के बारे में चर्चा करी है तो आप उसको देख लीजिएगा इसके अलावा एलडी डी हॉइट महोदय कहते हैं लोक प्रशासन की परिभाषा को देते हैं बड़ी अच्छी परिभाषा दी उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं या उनको सम्मिलित कर लिया जाता है जिनका उद्देश्य यानी जिन कार्यों का उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना अथवा लोक नीति को क्रियान्वित करना होता है क्रियान्वित माने उनको चलाना या आगे बढ़ाना किसको लोक नीति को आगे बढ़ाना लोक नीति को प्रो प्रोसेस में रह रखना ठीक है ये लोक प्रशासन के कार्य होते हैं तो लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य क्या होता है लोक नीति को पूरा करना या लोक नीति को क्रियान्वित करना ताकि पब्लिक का हित हो सके लोक कल्याण हो सके सभी लोगों का हित हो सके ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ठीक है बुड्रो बिल्सन भी बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा देते तीसरे विद्वान हैं ये कहते हैं कि लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत अथवा क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का नाप है या नाम है और कानून को कार्यान्वित करने की प्रत्येक क्रिया एक प्रशासकीय क्रिया मानी जाती है ठीक है आप देखते प्रशासन जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसकी बात की जाए या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो एक प्रकार से आई आप देखते हैं ठीक है सर्विसेस तो आई की फुल फॉर्म ही होती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन जो शब्द है प्रशासनिक मामलों से रिलेटेड है कि भाई आ, कैसे नीतियाँ बनानी है कैसे कार्य को करना जिससे जनता का ही हो तो सके जनता अच्छे तरीके से रह सके कोई झगड़ा लड़ाई ना हो सके कई प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रख करके जो कानून नियम वगैरह आगे बढ़ाए क्रियान्वित करे वही होता है लोक प्रशासन ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा लूथर गुलिक महोदय कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन के वह अंग हैं जो सरकार से संबंधित हैं और इसलिए उनका संबंध कार्यपालिका से होता है और जहां सरकार का काम मुख्य रूप से होता है यद्यपि उसको स्पष्ट रूप से उन प्रशासकीय समस्याओं पर भी ध्यान देना होता है लोक प्रशासन का जो व्यवस्थापिका तथा तो न्यायपालिका के क्षेत्र में आती हैं कुल मिलाकर के मैं अगर आपको बताऊँ लोक प्रशासन के बारे में तो लोक प्रशासन बहुरूपीय है और इसकी परिभाषा करना अत्यंत कठिन काम है आप देखते हैं सरकार लगातार बदलती है और सरकार के कार्य भी बदलते हैं और इसके संदर्भ में एक जटिल परिभाषा मतलब एक सरल परिभाषा या एक तर्कसंगत परिभाषा प्रशासन के बारे में देना उचित नहीं माना जा सकता क्योंकि सरकारें परिवर्तित होती हैं सरकार की नीतियों में परिवर्तन होता है सरकार के और चीज़ों में परिवर्तन होता है तो लोक प्रशासन की उचित परिभाषा देने में एक प्रकार से बड़ी कठिनता होती है विद्वानों को कुल मिलाकर के अलग अलग तरीके से हम इसको समझ सकते हैं वैसे लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल कार्यपालिका से रिलेटेड नहीं चीजें आती हैं व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों इंपॉर्टेंट होती हैं लोक प्रशासन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे पहली बात तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं लोक प्रशासन की दृष्टि से चूंकि लोक प्रशासन में क्या होता है सबसे देखिए कार्यपालिका क्या होती है कार्यपालिका मतलब होता है देखिए सबसे पहले आपको बताऊँ व्यवस्थापिका व्यवस्थापिका मतलब होता है संसद ठीक है व्यवस्थापिका जो करती है ये कानून को बनाती है ठीक है व्यवस्थापिका नीतियों को बनाती है संसद में बहस होती है और बहुत दो तिहाई बहुमत से पास होता है कोई बिल जो होता है उसके बाद में वो फिर वहाँ कानून बनता है पास होने के बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर के तदुपरांत तो ये चीज़ें जब प्रोसेस हो जाती हैं उसके बाद में कानून बन जाता है अब ये कानून बन गया अब ये कानून जनता में लागू कौन करता है लागू करती है कार्यपालिका ठीक है कार्यपालिका में जितने सरकारी कर्मचारी होते हैं अधिकारी होते हैं सरकारी वो सारे कार्यपालिका के सदस्य होते हैं ऑलरेडी तो कार्यपालिका ये होती है जैसे जो सरकारी नौकरी वाले पुलिस हो गए आई एस पी सी एस डी एम एस डी एम ये सब जितने होते हैं आपके ये सारे के सारे आपके क्या हैं या फिर और भी जो क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में बैठे हैं सरकारी कर्मचारी वो सब कार्यपालिका से ही रिले रिलेटेड है कार्यपालिका से संबंधित होते हैं और प्रश्न आपसे यहाँ पर मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जो कार्यपालिका होती है वो कानून को क्रियान्वित करने का काम करती है इसीलिए जर्नली हम जब लोग प्रशासन की बात करते हैं तो केवल कार्यपालिका से रिलेटेड Uhm, लोग प्रशासन को हम समझ लेते हैं कि भाई ये कार्यपालिका से ही रिलेटेड है क्योंकि यहाँ भी एक प्रकार से कार्यों को क्रियान्वित करता है लोग प्रशासन और सेम वही काम कार्यपालिका का है तो कार्यपालिका के द्वारा जो क्रियाएँ की जाती है जिस कार्य को क्रियान्वित किया जाता है जिन नीतियों को प्रसारित किया जाता है प्रचारित किया जाता है उसी कार्य कर को करने की प्रक्रिया को लोक प्रशासन कहते हैं ठीक है वही कार्यपालिका करती है तो कार्यपालिका तो और एक प्रकार से लोक प्रशासन का बड़ा घनिष्ठ संबंध रहा है लेकिन चूंकि कानून कौन बनाता है व्यवस्थापिका बनाती संसद बनाती तो इसीलिए यह भी लोक प्रशासन का एक प्रकार से एक हिस्सा है इसके अलावा अगर कार्यपालिका मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून बनाया गया वह कानून जनता के लिए मान्य नहीं है या संविधान के ख़िलाफ़ है कानून तो उसकी न्याय कौन करता है उसकी जाँच कौन करता है तो उसकी जाँच करता है न्यायपालिका ठीक है कौन करता है भाई न्यायपालिका करता है तो न्यायपालिका इज़ इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है भाई जनता अगर एक प्रकार से किसी पर विश्वास करती है संविधान का जो अंतिम व्याख्याता है वो न्यायपालिका ही है ठीक है सुप्रीम कोर्ट ही है तो एक प्रकार से ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है तो ये हो गया आपका क्या आ, खास करके क्या बोलते हैं इसको लोक प्रशासन के बारे में कुछ बातें अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा इंपॉर्टेंट है प्रश्न आ चुका है आपका लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान इन दोनों में संबंध बताएं आप प्रश्न पूछा गया है तो लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान की अगर बात की जाए तो लोक प्रशासन अन्य किसी भी सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा राजनीति विज्ञान से कहीं अधिक संबंध स्थापित करता है बजाय समाजशास्त्र के इतिहास के भूगोल से इन इन सभी से ज़्यादा राजनीति शास्त्र से संबंधित है खास करके लोक प्रशासन और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही हम लोक प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम पेपर वन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं आप सभी को पता होगा पोलिटिकल साइंस के अंतर्गत तो राजनीति विज्ञान का ही एक अंग है एक इकाई है क्या ये जो लोक प्रशासन है ठीक है तो लोक प्रशासन की जड़ें जो है राजनीति विज्ञान में निहित हैं और पहले यह राजनीति विज्ञान का ही एक भाग था लेकिन बाद में क्या हुआ धीरे धीरे करके लोक प्रशासन जो है एक स्वतंत्र नियामक विषय के रूप में अस्तित्व में आ गया है और आपको बता दूं अब लोक प्रशासन एक सब्जेक्ट बन चुका है और लोक प्रशासन सब्जेक्ट को आप पढ़ते भी हैं आप यूनिवर्सिटीज में लोक प्रशासन अगर पढ़ना चाहें तो लोक प्रशासन से आप एम कर सकते हैं लोक प्रशासन से आप बी कर सकते हैं तो एक प्रकार से ये एक सब्जेक्ट भी बन चुका है तो राजनीति विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है ये लेकिन शाखा अभी भी है और लेकिन एक विषय के रूप में भी उभर रही है ये राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठ संबंध रखते हैं राजनीति और प्रशासन एक दूसरे के अभाव में संभव नहीं अगर राजनीति शास्त्र से प्रशासन के मामलों को हटा दे तो राजनीतिक प्रकार से खोखली लगेगी ठीक है और राजनीति विज्ञान समाज में शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है और यह उस यंत्र रचना का अध्ययन करता है जिसके द्वारा समाज में शक्तियों को क्रियान्वित किया जाता है यह अपने आप को राज्य की उत्पत्ति विकास प्रकृति और कार्यों से संबंधित रखता है लोक प्रशासन लोक प्रशासन का संबंध भी राज्य से ही होता है और पॉलिटिकल साइंस का भी संबंध राज्य से ही है वह अपने आप को उन समस्याओं की प्रकृति से संबंध रखता है जो राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने करते समय उत्पन्न होती हैं तो उन सभी को क्रियान्वित करता है खास करके तो ये लोक प्रशासन का काम होता है तो राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन एक दूसरे से काफ़ी निकट हैं राजनीति विज्ञान के संबंध में गार्डनर महोदय कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत जो होता है राज्य से होता है और इसी आधार पर आप देखिएगा राजनीति पूरी तरह से राज्य से जुड़ा हुआ एक प्रकार से सब्जेक्ट माना जाता है और लोक प्रशासन राज्य और समाज दोनों से जुड़ा हुआ होता है क्योंकि सामाजिक गतिविधियों को और सामाजिक एक प्रकार से कल्याण को भी ध्यान में रखता है लोक प्रशासन तो लोक प्रशासन राज्य और समाज दोनों से जुड़ता है राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का अध्ययन लोक प्रशासन का प्रमुख अंग है और बुडरू विल्सन कहते भी हैं कि प्रशासन राजनीति के विषय क्षेत्र से बाहर है और प्रशासकीय समस्याएं राजनीति प्रशासन के कार्यों का स्वरूप निर्धारित करती हैं तथापि उसको यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए कि वह प्रशासकीय पक्षों के बारे में हेर फेर कर सके लोक प्रशासन लेकिन फिर भी जुड़ा रहता है तो प्रशासन के संचालन के लिए नीतियाँ राजनीतिक ही बनाते हैं जबकि उसी नीतियों का अनुसरण करते हुए प्रशासन का संचालन प्रशासनिक अधिकारी करते हैं डीएम, एसडीएम जो होते हैं या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं ठीक है एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं और कमिश्नर होते हैं ये सब क्रियान्वित करते हैं नियमों को कि भाई जैसे कि कानून बना दिया गया लोगों के द्वारा लेकिन कानून बना कानून को लागू कौन करवाता है पुलिस ही तो पकड़ती है कानून के बारे में आप अगर आप किसी कानून का उल्लंघन करते हैं तो आपको पुलिस ही पकड़ती है ना कार्यपालिका का ही सदस्य पकड़ता है ठीक है तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत होता है प्रशासनिक अधिकारी होता है तीसरा प्रश्न आप देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संगठन की परिभाषा दीजिए संगठन किसे कहते हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे संगठन बताएं भाई संगठन किसे कहते हैं तो संगठन की बात किया है तो कुल मिलाकर के आप लोग संगठन का मतलब जानते हैं कि भाई किसी कार्य को अगर योजनाबद्ध रूप से करना होता है तो उसी को हम संगठन कहते हैं किसी काम को हम प्लानिंग के तहत अगर करते हैं लोगों को इकट्ठा करके तो संगठन होता है कार्य प्रारंभ करने से पहले उसे समुचित रूप में व्यवस्थित कर लेना ही संगठन कहलाता है और आप देखिएगा ऑक्सफोर्ड शब्द कोश यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस शब्द के संगठन के बारे में विस्तार से बताया गया है परिभाषा दी गई है कि संगठन शब्द का अर्थ किसी वस्तु का व्यवस्थित ढांचा बनाना किसी वस्तु का आकार निश्चित करना तथा उसको कार्य करने की स्थिति में लाना ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इस प्रकार की परिभाषा दी गई संगठन शब्द की तो क्यों मिलाकर के संगठन में मुख्य रूप से तीन तत्व जो होते हैं वो निहित होते हैं तीन तत्व समाहित होते हैं यह किसी कार्य के नि, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है और इसमें सहयोग की भावना होती है और यह अनेक व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है तीन बातें ये हो गई पहली कौन सी बात भाई पहली बात है कि भाई जो संगठन होता है या किसी कार्य के लिए निश्चित किसी कार्य के निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन को बनाया जाता है जैसे कि हमको कोई कार्य करना है तो उस कार्य के लिए हमको योजना बनाते हैं और योजना के बाद में या फिर योजना से पहले हम संगठन बनाते हैं लोगों का इकट्ठा करते चार दस लोगों को फिर उसके बाद में योजनाबद्ध एक प्रकार से हम क्या करते हैं कोई कार्य को, को संपन्न करने की एक योजना बनाते हैं तो एक प्रकार से क्या होता है ये उद्देश्य की पूर्ति की जाती है किसी कार्य को जो पहले से निश्चित कार्य है कि भाई हमको ये कार्य करना हो उसके लिए एक प्रकार से लोग इकट्ठा होते हैं ठीक है तो उसकी पूर्ति के लिए क्या था है पहली बात दूसरी चीज़ भाई कि इसमें सहयोग की भावना होती है क्योंकि कई लोग शामिल होते हैं संगठन में ठीक है और तीसरी बात यह है कि भाई जो आपका संगठन होता है ये संगठन अनेक व्यक्तियों के द्वारा होता है एक व्यक्ति मिलकर के संगठन नहीं बनाते हैं तो सभी व्यक्तियों का सहयोग होना जरूरी है और कई व्यक्तियों से मिलकर के संगठन बनता है और किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है तो ये होता है आपका संगठन ठीक है समझ में आ गई होंगी आपकी बातें तो ये आपका संगठन होगा निश्चित तौर पर आप समझ में आ, समझ पा रहे होंगे संगठन के बारे में आ, इसके अलावा जान एम गास महोदय कहते हैं कि संगठन का अर्थ है कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्यों और उत्तरदायित्वों के उचित विभाजन के द्वारा निर्धारित उद्देश्य जो है उसको सरलतापूर्वक हम पूरा कर सके, कंप्लीट कर सकें ठीक है लुथर गुलिक कहते हैं कि संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को बांट करके या उसका निर्धारण कर किया जाता है ठीक है और उनका समन्वय भी किया जाता है तो इस प्रकार से संगठन ये चीज़ होती है जबकि उर्विक महोदय कहते हैं कि आ, उन क्रियाओं को निर्धारित करना होता है संगठन का मतलब जो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं और उनको ऐसे वर्गों में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपा जा सके ये बताया उर्विक महोदय ने कोई मिला कर के अगर हम परिभाषाओं को पढ़ते विभिन्न विद्वानों के अनुसार तो संगठन का मतलब होता है पहली बात कि संगठन एक प्रशासकीय ढांचा होता है दूसरी बात ये कि संगठन में मानव संबंध होते हैं ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो आ, संगठन जो होता है व्यक्तियों का समूह होता है और यह समूह कार्यकारी नेतृत्व के निर्देशन के अधीन संगठित होकर के कार्य करता कोई नेता होता संगठन का तीसरी बात कि जो संगठन होता है समूह के उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है कि भाई समूह में प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व क्या होगा यानी भूमिका क्या होगी किस व्यक्ति की जिस पद पर होगा अलग, अलग अलग पदों का कार्य अलग अलग, अलग निर्धारित होता है और यह प्रबंध का यंत्र है एक प्रकार से संगठन इसके अभाव में प्रबंध अथवा कार्य सुव्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाता अगर आप कोई संगठन नहीं बनाते हो तो कार्य उतना अच्छे तरीके से संगठित रूप से मतलब अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा कोई प्रबंध करना है आपको तो वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता अगर संगठन है तो अच्छे तरीके से हो जाता है ठीक है इसके अलावा क्रियात्मक विचारधारा है संगठन समूहों के प्रयासों को निर्देशन एक प्रकार से निर्देशन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसके अलावा यह संरचनात्मक संबंधों को स्थापित करता है तो कई प्रकार की चीजें हैं ठीक है और यह अधिकारों के क्षेत्रों का भी निर्धारण करता है संगठन ये बात ध्यान रखिएगा तो इस प्रकार से संगठन के बारे में कुछ बातें आपने जानी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं अगला प्रश्न आपकी दृष्टि से मतलब अगले प्रश्न अगला प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है चौथा नंबर पर देखिएगा सूत्र एवं स्टाफ में कोई तीन अंतर बताइए बढ़िया हाँ प्रश्न है सूत्र और स्टाफ में अंतर पूछा जा रहा है सूत्र की बात किया सूत्र को अंग्रेजी में लाइन बोलते हैं यल आई एन ई ठीक है और स्टाफ को बोलते हैं यस टी ए एफ एफ यानी डबल एफ तो ये होगा स्टाफ ठीक है तो प्राथमिक तथा संस्थागत क्रियाओं के अंतर के आधार पर अभिकरणों में एक प्रकार से दो तरीके के अभिकरण होते हैं एक तो सूत्र और एक स्टाफ ठीक है मोटे तौर पर कहा जाता है कि सूत्र अभिकरण का वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है इसके विपरीत जो स्टाफ होता है वह क्रामिक अधिक अभिकरण होता है और जो विभाग के गृह संबंधी या प्रबंधात्मक कार्य को संपन्न करता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो खास करके आप देखते हैं कि जो सूत्र होता है उसमें आप देखिएगा सूत्र स्टाफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अंतर समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपका तो सबसे पहला अंतर इसमें देखिए तीन अंतर पूछा गया है तो सूत्र एवं स्टाफ में पहला अंतर ये है कि आ, सूत्र जो होता है मतलब स्टाफ का संबंध सूत्र के प्रतिकूल परामर्श देने से होता है जबकि नियोजन परामर्श देने से और नियोजन देने से होता है स्टाफ का मतलब जबकि सूत्र का मतलब क्या होता है कार्य मतलब कि एक प्रकार सूत्र का संबंध कार्यों को करने से होता है सूत्र जो होते हैं वो कार्यों के करने से रिलेटेड होते हैं जबकि आदेश देने का परामर्श देने का काम स्टाफ करते हैं ठीक है दूसरा अंतर यह है कि स्टाफ अधिकारियों तो तथा स्टाफ इकाइयों एवं सूत्र अधिकारियों तथा तो सूत्र इकाइयों के बीच दूसरा भेद यह है कि स्टाफ अधिकारी एवं स्टाफ इकाइयाँ सत्ता एवं आदेश देने की शक्ति का प्रयोग कर नहीं करते हैं तो ठीक है जबकि बात की जाए केवल वे परामर्श देते हैं यानी कि जो स्टाफ होता है वो केवल परामर्श देता है और सहायता करता है जबकि जो सूत्र अधिकारी होते हैं वो सूत्र इकाइया आदेश देने का कार्य भी करती हैं तो खास करके सूत्र में कार्य करने की भी चीज़ें होती तो सूत्र जो होते हैं कार्य भी करते हैं आदेश देने के साथ साथ लेकिन जो स्टाफ होता है वो केवल कार्य करता है और सहायता करता है मतलब कि केवल आदेश देता है मतलब परामर्श देता है और आदेश देता है बस परामर्श देता है आदेश देता है आदेश देने का कार्य कौन करता है सूत्र इकाइयाँ करती हैं जबकि एक प्रकार से आपको बता दू परामर्श देता है परामर्श और आदेश दोनों में अंतर होता है आदेश देता है सूत्र वाले अधिकारी जो होते हैं ठीक है और परामर्श कौन देते हैं स्टाफ वाले अधिकारी जो होते हैं वो देते हैं ठीक है तीसरा अंतर लिख दीजिएगा सूत्र जो है क्रियात्मक है और स्टाफ जो है संस्थागत है तो स्टाफ एक संस्थागत होती है जो कि क्रिया नहीं करती यानी एक प्रकार से स्टाफ को आप देख सकते हैं जबकि सूत्र को आप नहीं देख सकते मतलब सूत्र क्या होता है क्रियात्मक चीज़ें होती है क्रिया होती है क्लियर ध्यान रखिएगा सूत्र का कर्तव्य लक्ष्य को प्राप्त करने से है जबकि स्टाफ का कर्तव्य सूत्र का सूत्र को लक्ष्य प्राप्त करने की योग्य बनाना है तो स्टाफ क्या करता है कर्तव्य को खास करके सूत्र जो होता है इसका काम ये होता है कि ये लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के योग्य बनाता है जबकि सूत्र का कर्तव्य होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करना ठीक है तो एक प्रकार से ये कई सारे अंतर हो गए इसके बारे में अगला प्रश्न आपका है पाँचवा नंबर पर देखिएगा पांचवा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न क्या है भाई अगला प्रश्न लोक निगम लोक निगम किसे कहते हैं फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे लोक माने होता है पब्लिक निगम माने एक प्रकार से एक प्रकार सभी के देख रेख वाला जो एक प्रकार से आयोग या निगम मतलब एक प्रकार से आयोग टाइप का ही ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो निगम जो होता है लोक निगम के बारे में अगर बात की जाए तो लोक निगम जो है लोक नीति के एक यंत्र के रूप में नियंत्रण से मुक्ति एक मुक्ति एक कार्यशील संगठन होता है जो कि ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी विशेषताएं खास करके जैसे कि ये व्यक्ति समान कार्य करते हैं जो लोक निगम में शामिल होते हैं और इन्हें राज्य द्वारा अधिकार पत्र या कानून बना करके विशेष प्रयोजन पूरा करने के लिए बनाया जाता है ठीक है और अपना पृथक कानूनी व्यक्तित्व तो रखता है इनका लोक निगमों का ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा और इनका जीवन इसका निर्माण करने वाले व्यक्तियों से अधिक लंबा होता है निगम निरंतर चलता रहता है ये बात ध्यान रखिएगा तो निगम की परिभाषा को देते हुए लोक निगम के बारे में डिमाक महोदय कहते हैं कि सरकारी निगम सरकारी उद्यम होता है और जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने के लिए अथवा वित्तीय को यानी रुपये आर्थिक उद्देश्य जो होता है उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी संघीय राज्य अथवा स्थानीय कानून के द्वारा एक प्रकार से सरकारी निगमों की स्थापना की जाती है लोक निगमों की स्थापना की जाती है ठीक है पिकनर महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि निगम एक ऐसा निकाय है जिसे अनेक कठिनाइयों या सॉरी अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है यानी कि निगम क्या है एक निकाय होता है जिसे अनेक व्यक्तियों के एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया जाता है ये बात ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है इसके अलावा और भी विद्वानों ने परिभाषा दी कुल मिलाकर के लोक निगम की बात किया तो प्रेसिडेंट रुसबेल्ट भी कहते हैं उसके बारे में कि लोक निगम व्यवसाय का वह आदर्श रूप होता है वह आइडियल रूप होता है व्यवसाय का जिसके पास सरकार के अधिकार और निजी उद्योग का लचीलापन एवं स्वतः प्रेरणा भी होती है ठीक है तो ये होता है आपका लोक निगम जो कि सेवा करता है पब्लिक एक प्रकार से का मतलब लोगों का सेवा करता है ठीक है तो विशेष अधिनियम द्वारा समामेलित संस्था है ये लोक निगम और पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है इसका कानून से अलग होता है सार्वजनिक निगमों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व भी होता है लोक निगम वित्तीय मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं तो ये कई सारी चीज़ें हैं लोक निगमों के बारे में आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आप देखिएगा छठा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है स्वतंत्र नियाम की आयोग के बारे में बताएं आप लोगों को क्या जानते हैं इसके बारे में स्वतंत्र नियाम की आयोग बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे स्वतंत्र नियाम की आयोग क्या है स्वतंत्र नियाम के आयोग की बात की है तो इसका जन्म जो हुआ है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है और ख़ास करके एक संवैधानिक रचना से हुआ है इसका जन्म और ख़ास करके अमेरिका में इस आयोग की रचना का मुख्य कारण समाज में जो शक्तिशाली वर्ग है आर्थिक वर्ग है उनकी क्रियाओं के नियंत्रण और नियमन के द्वारा सार्वजनिक हित की रक्षा और उनमें वृद्धि करने के लिए की गई थी ठीक है स्वतंत्र नियाम के आयोगों की रचना कांग्रेस के द्वारा की गई थी वहाँ पर भी कांग्रेस है ठीक है कहाँ पर अमेरिका में और शक्तिशाली लोगों का संगठन कहा जाता है अमेरिका के कांग्रेस को मतलब ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा और कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र रखा जाता है स्वतंत्र नियम नियम के आयोग को ये कार्यपालिका से संबंधित नहीं होती मतलब सरकारी कर्मचारी इस पर अपना शासन नहीं करते हैं यानी कर्म कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होती है ठीक है जबकि लोक निगमों पर सरकारी नियंत्रण होता है कार्यपालिका का, का नियंत्रण होता है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो खास करके आप देखिएगा इस आयोगों को स्वतंत्र इसलिए कहा जाता है स्वतंत्र नियम के आयोग को क्योंकि वहाँ की कार्यपालिका अर्थात जो राष्ट्रपति के नियंत्रण से मुक्त होती है या जो आयोग होता है इसीलिए और अपनी नीतियों का निर्माण करना अपने वित्तीय साधनों को नियंत्रित करने के पूरे अधिकार मतलब आयोग के पास ही होते हैं तो ये होते स्वतंत्र नियाम आयोग ठीक है डिमाक महोदय कहते हैं कि इन आयोगों को स्वतंत्र से नहीं कहा जाता कहा जाता कि उन पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका का नियंत्रण नहीं होता बस स्वतंत्र से कहा जाता है यहाँ पर नहीं थोड़ा सा गलती से निकल गया और इसीलिए वे शासक के स्थापित निष्पादक विभागों की परिधि से बाहर होते इसीलिए इनको स्वतंत्र नियाम के आयोग कहा जाता है ठीक है बात ध्यान रखिएगा तो इस प्रकार से ये स्वतंत्र नियाम के आयोग के बारे में मैंने आपको बताया आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं सातवां क्वेश्चन साहब देखिएगा प्रशिक्षण प्रशिक्षण क्या है भाई प्रशिक्षण को बोलते हैं अंग्रेजी में ट्रेनिंग ठीक है प्रशिक्षण को क्या बोलते हैं ट्रेनिंग बोलते हैं तो जब आप कोई नौकरी सरकारी मिलती तो उससे पहले आपकी क्या होती है ट्रेनिंग होती है तो उसी ट्रेनिंग को एक प्रकार से क्या बोलते हैं ट्रेनिंग को ही प्रशिक्षण बोलते हैं ठीक है हिंदी में तो प्रशिक्षण जो है ये आम विश्वास की भावना को प्रेरित करता है और प्रशिक्षण जो है शिक्षा की एक ऐसी शाश्वत प्रक्रिया है जो विधि और प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा करती है और प्रशिक्षण का उद्देश्य कुशल प्रशासन को प्रतिष्ठित करना होता है ताकि और प्रशिक्षण प्रशासन को विश्वास की ओर ले जाता है इसीलिए लिए खास करके किसी भी सरकारी नौकरी से पहले आपकी ट्रेनिंग होती है आपका प्रशिक्षण होता है कि आपको ऐसे ऐसे ये काम करना सारी सिचुएशंस सा आपको समझाई जाती हैं ठीक है तो वो होता है प्रशिक्षण आपका प्रशिक्षण की परिभाषा को देते हुए मैडल महोदय कहते हैं कि प्रशिक्षण का अर्थ है नए काल के यानी नए समय के लिए पुनर्वलोकन वर्तमान के लिए ज्ञान और चतुरता का विकास एवं भावी उत्तम कार्यों के लिए तैयारी ये होता है प्रशिक्षण का मतलब जे विलियम जे टारपी महोदय कहते हैं कि जो आपका प्रशिक्षण होता है ये कर्मचारियों की कुशलता यानी स्किल आदत यानी हैबिट्स ज्ञान यानी नॉलेज और दृष्टिकोण यानी पॉइंट ऑफ व्यू इन सभी को विकसित करने की एक प्रक्रिया होती है प्रशिक्षण ठीक है और जिस जिस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है कर्मचारियों की उनके वर्तमान सरकारी स्थितियों में प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है और साथ ही उन्हें भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार भी किया जाता है ताकि भविष्य में कोई संकट पड़े तो उसके लिए वो तैयार रहें प्रशिक्षित रहें ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो ये इम्पोर्टेंट है तो इस प्रकार से प्रशिक्षण का मतलब हुआ प्रतिक्ष प्रशिक्षण का मतलब यही सारी चीज़ें होती कि सिखाना आपको जैसे कि आप अगर क्या हो रहा है कि नौकरी लगी नहीं नहीं तो आपको पहले बताया जाएगा कि भाई आपको करना क्या क्या है ठीक है ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो इम्पोर्टेंट है ठीक है तो ये क्या है प्रशिक्षण है ठीक है जिसको आप ट्रेनिंग बोलते हैं आगे बढ़ा जाए चले अगला प्रश्न आपका है अठवा नंबर देखिएगा पदोन्नति पदोन्नति भी एक प्रकार से कर्मचारियों के पद की उन्नति से संबंधित है क्या होता है कि जब कोई कर्मचारी प्रशिक्षित होकर के और ज्वाइन हो जाता है और या कोई अधिकारी है तो धीरे धीरे करके क्या होता है अपने कौशल का प्रयोग करके अपनी बुद्धि का और अपने टैलेंट का प्रयोग करके वो क्या करता है वो अच्छे कामों को करता है और जब वो अच्छे काम करता है तो उसका प्रमोशन होता है तो पदोन्नति को अंग्रेज़ी में प्रमोशन बोलते हैं ठीक है तो प्रमोशन के बारे में ही पूछा जा रहा है पदोन्नति तो पदोन्नति मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई व्यक्ति सिपाही पर ज्वाइन किया था तो सिपाही से क्या हो जाए दरोगा हो जाए दरोगा से फिर एक प्रकार से और भी बड़ा मतलब येसो बन जाए मान लेते हैं तो ये पदोन्नति है कि भाई वो हवलदार था सिपाही था सिपाही से अच्छा काम किया और तो वो दरोगा बन गया दरोगा से क्या बना भाई येसओ बन गया थाना इंचार्ज बन गया तो कहीं ना कहीं पे ये होता है आपका पदोन्नति तो पदोन्नति ऐसे ही हर क्षेत्र में होती है प्रमोशन जिसको बोलते हैं ठीक तो प्रमोशन आप लोग जानते होंगे पदोन्नति थोड़ा सा आपको आड़ लग रहा होगा शब्द सुनने में लेकिन पदोन्नति मतलब होता है आ, प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण के बाद में जब ज्वाइन कर लेता है व्यक्ति और उसके बाद में उसके पद की उन्नति होती है उसी को पदोन्नति बोलते हैं ठीक है जिसको आप क्या बोलते हैं अंग्रेजी में प्रमोशन ठीक है तो पदोन्नति से तात्पर्य कर्मचारी के वेतन की, की, की वार्षिक वृद्धि से नहीं होता है बल्कि प्रत्येक कर्मचारी के वेतन में वार्षिक वृद्धि तो लगातार होती रहती है एक साल में वृद्धि होती है वेतन में तो वो वृद्धि खास करके पद में जब वृद्धि होती है वेतन में वृद्धि होती है तो उसको पदोन्नति बोला था दोनों में ठीक है तो पद में उन्नति का मतलब ये नहीं एक प्रकार से कि पद वृद्धि अथवा पदोन्नति नहीं माना जाएगा अगर वेतन में वृद्धि हो जाएगी तो पदोन्नति से मतलब होता है कर्मचारी की पद संबंधी जो परिस्थिति होती है उसमें वृद्धि करना या उसे अधिक बड़े या कठिनतर उत्तरदायित्व उत्तर को सौंपना ठीक है ये पदोन्नति होती है कि भाई अभी तक आपका काम था कि भाई केवल गाड़ी चलाना फिर उसके बाद में गाड़ी चलाने के बाद में आपको बंदूक थमा दी गई बंदूक थमाने के बाद में आपको फिर प्रशासनिक मामले दे दिए गए कलम थमा दी गई तो ये सब क्या है ये सब एक प्रकार से क्या है आपकी पदोन्नति हो रही है आपके कार्यों की जो स्थितियाँ हैं वो परिवर्तित हो रही हैं और अच्छे कार्य आपको करने के लिए बोला जा रहा है ठीक है तो हाइट महोदय कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हैं पदोन्नति के बारे में कि पदोन्नति का अर्थ है कि एक पद से किसी दूसरे ऐसे पद पर नियुक्ति करना जो उच्चतर श्रेणी का है और जिसमें कठिनतर प्रकृति एवं अधिक बड़े उत्तरदायित्व का कार्य करना पड़ता है व्यक्ति को और इसमें पद का नाम बदल भी जाता है और वेतन में वृद्धि भी हो जाती है तो वेतन में भी वृद्धि होती है पद का नाम भी बदल जाता है और रुतबा भी बदल जाता है और उत्तरदायित्व भी बढ़ जाते हैं तो पदोन्नति के साथ साथ और भी चीज़ें बढ़ती हैं ठीक है थीके? ये बात ध्यान रखिएगा तो पदोन्नति जो एक प्रकार से इसका मतलब होता है एक विभाग से उच्च पद रिक्त होने पर उसकी पूर्ति प्रायः उस विभाग के निम्न स्तरीय कर्मचारी जो होते हैं उन्हीं के द्वारा की जाती है भले ही अन्य विभागों में उनसे अधिक अनुभवी और योग्य कर्मचारी इस कार्य के लिए उपलब्ध हों लेकिन जो लगातार व्यक्ति लगा हुआ है पंद्रह बीस सालों से तो उसकी पदोन्नति करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि इंटरेस्ट बना रहता है इससे लोगों को काम करने में रुचि पैदा होती है और एक ही काम लगातार आप करवाओगे उसको ना कोई प्रमोशन मिलेगा और ना ही वेतन में वृद्धि होगी तो लोग ऊब जाते हैं कि काम करने करते करते तो काम भी बदलना चाहिए प्रमोशन और एक प्रकार से ट्रांसफ़र स्थानांतरण ये सब होता होना जरूरी है पदोन्नति की दो विधियाँ होती हैं मैं आपको बता दूँ पहली विधि होती है या तो ज्येष्ठता के आधार पर बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं पच्चीस तीस साल हो गया उसके बाद में आपको एक प्रकार से प्रमोशन मिल गया तो एक तो पदोन्नति वरिष्ठता या ज्येष्ठता के हिसाब से होती है इसे सुप्रीम कोर्ट में आप देखते हैं जो वरिष्ठ जज होता है वो ही मुख्य न्यायाधीश बनता है एक तो ये होता है दूसरा ये होता है कि योग्यता यानी टैलेंट के बल पर के अपना कि पहुंचे तुरंत और इतना अच्छा अच्छा काम कर दिया कि आपके बड़े साहब या जो एक प्रकार सरकार के जो अधिकारी है बड़े बड़े कर्म कार्यपालिका के सदस्य हैं वो आपसे प्रभावित हो जाए और आपको कहे कि नहीं आपके लिए ये पद अच्छा नहीं है आपके लिए ये पद अच्छा है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो ये पदोन्नति अगला प्रश्न आपका है नवा नंबर प्रश्न देखिएगा बजट बजट किसे कहते हैं भाई फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो बजट का मतलब होता है सरकार की आर्थिक नीतियों को प्रस्तुत करने और क्रियान्वित करने का केंद्रीय बिंदु या एक एक प्रकार से संपूर्ण वर्ष का एक ब्यौरा जो कि आर्थिक नीतियों को प्रस्तुत करता है तो सरकार की सहायता से बजट बनाया जाता है और सरकार आय के विभिन्न स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करने की विभिन्न योजना बनाती है इस बजट के माध्यम से ठीक है एक वर्ष का पूरा ब्यौरा लेखी देती है लेखा जोखा देती है तो बजट एक प्रकार से फ्रेंच भाषा के शब्द से बना हुआ है फ्रेंच भाषा का एक शब्द है बुजट ठीक है कौन सा शब्द है भाई बूजट शब्द है तो बजट शब्द से बना हुआ है आपका बजट ठीक है जिसका अर्थ क्या होता है इसको चमड़े का थैला बूजट माने होता है चमड़े का थैला खास करके जो फ्रेंच भाषा का बजट शब्द है बूजट शब्द इसका मतलब होता है चमड़े का थैला या चमड़े का झोला सत्रह सौ तिहत्तर ईस्वी की बात है ब्रिटिश वित्त मंत्री थे सर रॉबर्ट बालपोल तो रॉबर्ट बालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों से संबंधित कागज को संसद के सामने पेश करने के लिए एक चमड़े के थैले में निकाला और तो उनका लोग मजाक उड़ाते हुए उनको बजट खोला गया ऐसा नाम दिया गया और एक प्रकार से एक पुस्तिका प्रकाशित की गई बजट खोला गया नाम से और उसी समय से बजट शब्द का उपयोग सरकार की वार्षिक आय व्यय के विवरण के लिए प्रस्तुत किया जाने लगा और आज बजट का एक प्रकार से मतलब होता है एक वार्षिक ब्यौरा एक वर्ष के अंतर्गत जो चीज़ें हुई हैं उन सभी को एक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से एक विवरण तरीके से लेखा जोखा प्रस्तुत करना ताकि सरकार की नीतियों का विपक्षी विपक्षी लोग और जो जनता है वो जान सके कि भाई सरकार कर क्या रही है अगर हमारा पैसा लग रहा है रोड टैक्स हम दे रहे हैं हम सर्विस टैक्स दे रहे हैं हम एक प्रकार से इनकम टैक्स दे रहे हैं जीएसटी एस भर रहे हैं और हर एक प्रकार का कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर हमारा जो है एक प्रकार से हमें सुविधा क्या क्या मिलने वाली है हमको क्या छूट मिली है बजट में ही आप देखते हैं आयकर वगैरह में छूट वूट मिलती है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो ये है बजट बजट की परिभाषा को देते हुए एक प्रकार से अमेरिकन विद्वानों ने बजट को अनुमानित आमदनियों तथा तो खर्चे खर्चों के विवरण मात्र के रूप में माना है फ्रांसीसी लेखकों ने बजट को राजस्व तथा विनियोग अधिनियम का पर्यायवाची माना है जबकि बात की जाए लेराय बुलू ब्यूलियो का तो उन्होंने कहा ले राय ब्लू मतलब ब्यू महोदय ने कि बजट जो होता है वह एक निश्चित अवधि यानी एक निश्चित समय होता है उसके अंतर्गत होने वाली अनुमानित प्राप्तियां और जो खर्चे होते हैं उनका विवरण होता है कि हम कितना प्राप्त करें हैं और कितना खर्चा हमको देना तो एक प्रकार से ये खर्चा और यही सी चीज़ क्या होती है यही होता है आपका खर्चा और प्राप्ति इनका अनुमानित खर्चा कि एक साल में हमारा खर्चा क्या है कितना हम प्राप्त कर पाएंगे इसी का ब्यौरा होता है बजट ठीक है इसके अलावा रीन स्टोर महोदय कहते हैं कि बजट एक लेख पत्र होता है जिसमें सरकारी आय तथा तो व्यय की एक प्रारंभिक अनुमोदित योजना रहती है ठीक है जबकि जी गीज महोदय कहते हैं कि बजट संपूर्ण सरकारी प्राप्तियों तथा तो खर्चों का एक पुनर्नुमान होता है ठीक है या अनुमान होता है जो कुछ प्राप्तियों का संग्रह करने तथा तो कुछ खर्चों को करने का एक आदेश या प्राधिकरण होता है ये होता है बजट ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा दसवा क्वेश्चन आप देखिएगा प्रश्न आपके सीन पर आ चुका प्रत्यायोजन क्या है इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बात ध्यान रखिएगा प्रत्यायोजन की बात की जाए तो प्रत्यायोजन की अगर बात करें तो प्रत्यायोजन एक प्रक्रिया होती है और ख़ास करके इस प्रक्रिया के द्वारा एक उच्च अधिकारी अपने कुल कार्य को स्वयं करता है और स्वयं के तथा अपने अधीनस्थ के अधीनस्थों के जो बीच वितरित करता है और जिसके क्रियात्मक और प्रबंधकीय विशिष्टीकरण की प्राप्ति की जा सकती है और सीधा सा मतलब होता है जो है इसका प्रत्यायोजन का कि प्रत्यायोजन का अर्थ है अन्य व्यक्तियों को कार्य करने का वितरण करना और उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना जैसे कि मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ और ऐसा हो कि भाई हमको तमाम सारे सब्जेक्ट हैं तो अकेले मैं सारे सब्जेक्ट को तो पढ़ा नहीं सकता लेकिन मैं प्रयास करता हूँ तो मेहनत बहुत लगती दिन रात में पढ़ता ही रहता हूँ बहुत मेहनत लगती है आपको बता दूं मैं रात में लगभग तीन चार बज जाते हैं आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करते करते फिर वीडियो आपकी आ करके आज आ पाती है तो बहुत मेहनत लगती है ठीक है एक दिन पहले से ही इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई जब भी आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर भेजें या साल पेपर तो एक दो दिन बाद ही हमारा आंसर की जाती है चूँकि बड़ी मेहनत लगती है हमको सिस्टम सेट करने में और बड़ी एक प्रकार से अकेला हूँ तो अकेले में बड़ी हेल्प एक प्रकार से मतलब क्या होता है कि भाई टीम तो हमारे पास अभी है नहीं है लेकिन कुछ टीमें हैं लेकिन वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाते हैं टीम मेंबर हमारे लेकिन फिर भी मैं अकेले खुद ही सारी चीज़ें आपके लिए करता हूँ चूँकि मुझे किसी के ऊपर विश्वास नहीं रहता है मैं आपको वास्तविक चीज़ बताऊँ मैं किसी से कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ चाहे जो भी हो मैं खुद पर विश्वास करता हूँ कि भाई जो आप लोगों ने मुझे देख करके हमको सब्सक्राइब किया है तो मैं अगर आप दूसरे व्यक्ति को ला करके अपने चैनल पढ़वाऊँगा तो इससे क्या होगा कि भाई वो दूसरा व्यक्ति कैसा पढ़ा रहा है हालाँकि हर व्यक्ति अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन आप लोगों ने आप लोगों ने मुझे देख करके एक प्रकार चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आपको सोचूंगा कि भाई अगर आपने हम पर विश्वास जताया है तो मैं सौ अपना दूँ अगर मैं सौ अपना नहीं दे पाता हूँ उस दिन आपको बता दूँ तो मुझे नींद नहीं आती है सच बता रहा हूँ मुझे नींद नहीं आती है और ख़ास करके जब 100 परसेंट मैं दे नहीं देता हूँ तो फ्रस्टेशन टाइप का हो जाता है आपको मतलब तो जिस दिन मैं एक वीडियो अगर एक दो वीडियो या तीन वीडियो या जो भी क्लास मैं नहीं ले पाता हूँ अगर एक दिन भी अगर मेरी क्लास नहीं है तो उस दिन आप मान लीजिए किसी ना किसी से मेरी झगड़ा जरूर हो जाती है या तो किसी को मतलब मुझसे थोड़ा गलत निकल जाता है उल्टा निकल गया या फिर कोई बार बार अगर कुछ बोलता है तो गुस्सा लगती है बहुत ज़्यादा क्योंकि काम की आपूर्ति पर क्रोध उत्पन्न होता है और जब कोई काम आपका पूरा नहीं होता तो उसमें आपको क्रोध लाजमी होता है कि भाई आप जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ तो गुस्सा आपके हो जाएगा और तो गुस्सा रूपी जो बादल होते हैं क्रोध रूपी जो बादल होता है ये एक प्रकार से जो बुद्धि रूपी सूरज है उसको ढक लेता है तो जब क्रोध आता है तो बुद्धि नहीं काम करती है ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा तो ये गीता का ज्ञान है इसको लेना चाहिए आप सभी को तो खास करके अगर बात की प्रत्यायोजन की तो क्या होता है प्रत्यायोजन का सीधा सा मतलब होता है कि एक व्यक्ति अगर कोई काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा है तो उसको कई लोगों में बांट देना ये होता है प्रत्यायोजन यानी जैसे एक अधिकारी है आप देखते हैं यशो हैं तो यशो के अंदर कई पुलिस अधिकारी कई दरोगा होते हैं कई सब इंस्पेक्टर होते हैं और कई एक प्रकार से सिपाही होते हैं तो उन सभी में कार्यों को बांट देता है कि भाई फलाना एरिया तुम्हें देखे कहें फला एरिया तुम्हें अताना इनका देखे इस पट्टर के अंदर इतना एरिया है इस पट्टर के तो ऐसे बांटे रहते हैं कि भाई ये कार्य करना तो कई लोगों को मिल करके एक ही कार्य को करना या जब एक कार्य करते समय लोगों को लगे कि भाई अब ये कार्य मेरे से नहीं हो पाएगा तो दूसरे व्यक्तियों को अपने स्थान पर या चार पांच व्यक्तियों को रख करके उस काम करवा लेते हैं तो ये होता है आपका प्रत्यायोजन ठीक है मिलेट महोदय कहते हैं कि सत्ता के प्रत्यायोजन का अर्थ दूसरे को कर्तव्य सौंप देने से कुछ अधिक होता है और प्रत्यायोजन का रूप है कि दूसरों को स्वाविवेक सौंपना ताकि वे अपने कर्तव्यों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं को सुलझाने में अपने निर्णयों का प्रयोग कर सकें यानी जैसा भी मैंने बताया कि भाई जैसा मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूँ जितना मेरा लगाव है आपसे चूंकि हमारा लगाव आपका लगाव जो है वो घर का लगाव है मैं आपको अपना भाई बहन मानता हूँ जितने भी लोग देखते हैं ठीक है मैं आपको बता दूं कि पूरा दुनिया मेरी आप लोग हो यूट्यूब मेरी पूरी दुनिया है आपको मैं बता दूँ यूट्यूब ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी है आपको मैं क्या बताऊं अब तो इसीलिए मैं आपके ऊपर एक प्रकार से दिन रात मैं डिपेंडेंट हूं आपके ऊपर मैं आपको सच बता रहा हूं तो इसमें एक प्रकार से क्या होता है कि जब इस पर थोड़ा बहुत इसके लिए मैं हर चीज़ एक प्रकार सेक्रीफाइस कर सकता हूं आप लोगों के लिए तो क्योंकि इसने मुझे एक प्रकार से बहुत कुछ दिया है और आपको बता दूँ कि बहुत कुछ का मतलब ये नहीं कि पैसा दिया है हमको सम्मान मिला जो मिलना चाहिए आप लोगों का सम्मान मिला आप लोगों का प्यार मिला आप लोगों को एक प्रकार से तो क्या बताऊँ अब थोड़ा सा किसी दिन चर्चा करेंगे हालाँकि यहाँ पर पढ़ाते समय चीज़ें बोलना उचित नहीं है तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि भाई यही चीज़ ये बता रहे हैं, मिलेट महोदय कि भाई ऐसी उत्तरदायित्व को सौंपना कि आपको लगे कि भाई यह व्यक्ति भी उतना इम्पोर्टेंट है और आपको पढ़ा सकता है या हमारे कर्तव्यों का एक प्रकार से ये जैसा मैं कर रहा था वैसा ही कर सकता है या जितनी मेहनत मैं करता हूँ उतनी मेहनत यह भी कर सकता है तो इस प्रकार का सौंपना इस प्रकार से अपनी शक्तियों को उसके हाथों में देना ये होता है प्रत्यायोजन ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा तो प्रत्यायोजन यही होता है अधिकार प्रदान करना ठीक है कार्य का वितरण कर देना अपना अपना अधिकार दे देना अपने कार्यों को बांट देना उत्तरदायित्व को निर्धारित कर देना कि भाई तुमको आ, तुम्हारा ये काम है तुम्हारा ये काम है ठीक है तो ये प्रत्यायोजन होते हैं क्लियर समझ में आ गई चीजें आगे बढ़ते हैं आपका अगला प्रश्न है सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं ये प्रश्न आपके हैं लघुत् टाइप के खंडवा के दो शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है बात ध्यान रखिएगा देखिए इंपॉर्टेंट है पहला प्रश्न देखिएगा लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में पोस्ट कार्ब शब्द की व्याख्या कीजिए आर करके आपको अथवा करके प्रश्न दिया है लोक प्रशासन के के विज्ञान होने पक्ष में तर्क दीजिए तो ये प्रश्न आपके दो प्रश्न हैं अब लेकिन आर करके करके यानी अथवा दिया है इसका मतलब यह चाहे तो आप लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो पोस्ट कार्ब शब्द है इसकी व्याख्या कर दें और चाहो तो आप लोक प्रशासन के विज्ञान होने के पक्ष में कुछ तर्क दे दें दोनों में से कोई एक ही प्रश्न करना है ये बात ध्यान रखिएगा एक ही प्रश्न का मतलब यहाँ पर इससे है कि जब आप एक प्रकार से एक प्रश्न आपको नहीं आ रहा होता है मान लेते हैं ठीक है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा प्रश्न कर सकते हैं ये अच्छी बात है तो एक प्रकार से इसीलिए हमको ये बड़ा अच्छा लगता है कि एक प्रश्न अगर आप नहीं पता है मान लेते लोक प्रशासन के शब्द में जो पोस्टकार शब्द है इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप लोग प्रशासन के विज्ञान होने के तर्क भी दे सकते हैं तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि भाई एक प्रश्न अगर बच्चे को नहीं आ रहा है या ये प्रश्न ज़्यादा आ रहा है ये कम आ रहा तो आप व्यक्ति यही लिखेगा ना तो ये अच्छी चीज़ है एक प्रकार से ठीक है विकल्प होना ठीक है जैसे मैंने एक कविता आपको पढ़ा बताई होगी कि भाई कविता थी कि वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो तो सामने पहाड़ हो तो क्या करो पहाड़ पर अब चढ़ने की आवश्यकता नहीं बगल से निकल चलो क्या दिक्कत है पहाड़ पर चढ़ने की तो भाई अब विकल्प बनाना पड़ेगा जीवन में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे तो आइए चर्चा करते हैं लोक प्रशासन के संबंध में जो पोस्ट कार्य शब्द है हालांकि इसकी व्याख्या मैं बार बार कर चुका हूँ पोस्ट कार्व जो शब्द है एक प्रकार से इसकी सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा भाई इसके बारे में आपको सबसे पहले इसकी इसकी स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए पोस्ट कार्व की स्पेलिंग क्या होती है मैं आपको बताऊं प्रोफेसर लूथर गोलिक महोदय ने लोक प्रशासन के संबंध में सबसे पहले पोस्ट कार्व्य शब्द के प्रयोग किया था ठीक है और इसमें इसके एक प्रकार से बारे में इसकी व्याख्या बताई गई है कि भाई इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं पोस्ट कार्व्य में तो पोस्ट कार्य में क्या होता है सबसे पहले इसकी स्पेलिंग समझिए पी ओ एस ठीक है क्या पीओ एस डी सी ओ आर बी ठीक है तो ये आपका क्या हो गया ये होता है पोस्ट कार्ब का सूत्र पोस्ट कॉर्ब पोस्ट P का मतलब क्या होता है यहां पर पी का मतलब होता है प्लानिंग तो पी का क्या मतलब होता है पी का मतलब होता है प्लानिंग यानी योजना बनाना ठीक है किसी कार्य को करने से पहले आप एक योजना बनाते हैं दूसरी बात ओ का मतलब क्या है वो का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना तो पहले योजना बनाना दूसरा संगठन बनाना तीसरा यस का मतलब क्या होता है स्टाफिंग यानी कि स्टाफ होना एक प्रकार से स्टाफ की व्यवस्था समझ रहे हैं जैसे मास्टरों का स्टाफ होता है कई सारे टीचरों का स्टाफ होता है कहते हैं मतलब अपने समकालीन जो कार्य करने वाले होते हैं अपने एक प्रकार से जो काम उनका भी वही है और आपका भी काम वही है तो एक प्रकार से स्टाफ जैसे आप स्कूल में पढ़ा रहे हो तो आपके और भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है कोई जियोग्राफी पढ़ा रहा है कोई सोशल जी कोई पॉलिटी पढ़ा रहा है कोई इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है कोई एजुकेशन पढ़ा रहा है कोई इंग्लिश कोई हिंदी कोई संस्कृत कोई उर्दू कोई फारसी कोई अरबी कोई जापानी कोई फ्रेंच तो एक प्रकार से सारी चीजों एक प्रकार से क्या है एक साथ ही तो लोग पढ़ा रहे होते हैं एक टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो वो सब आपस में क्या है? है तो इसी प्रकार से संगठन में एक स्टाफ होता है हर व्यक्तियों का ठीक है इसके अलावा डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना तो उसमें नेतृत्वकर्ता भी होते हैं जो कि निर्देश देते हैं ठीक है डायरेक्शन देना कि भाई आपको ये काम करना है आपको ये काम करना है जैसे एक मूवी बनाने के लिए डायरेक्टर जो होता है वो बताता है कि हीरो हीरोइन को कि तुमको ऐसे नाचना है ऐसे करना है ऐसे ये बोलना है ये सब डायरेक्टिंग का काम होता है ठीक है इसके अलावा सी का मतलब होता है सी को एक भी मिला लीजिए सी और ओ का मतलब होता है कोआर्डिनेटिंग uh, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है समन्वय करना यानी कि सभी में तालमेल बैठाने जितने भी योजना आपने बनाई जितने संगठन है लोगों के यानी जितने स्टाफ है उसमें संगठन बना मतलब उसका समन्वय करना यानी सभी अच्छे तरीके से काम कर सकें तो समन्वय स्थापित करना ठीक है और अगली बात है आर का मतलब क्या है आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट देना कि फलाने व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहा है या अच्छा कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति या नहीं कर रहा है कितना कार्य आगे पहुंचा कितना अभी नहीं पहुंचा कितने दिन में पहुंचेगा ये सारी रिपोर्टिंग करना ये भी एक प्रकार से लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ठीक है इसके अलावा जो अगला होता है आपका बी से बी माने होता है बजट बजटिंग बजटिंग का सीधा सा मतलब होता है बजट तैयार करना यानी किसी भी योजना को या किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए आपको रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ेगी तो सबसे पहले यह फिक्स कर लेना कि कितना पैसा लगेगा और कहां कहां पर हमको कैसे कैसे पैसा खर्च करना है तो पूरा बजट तैयार कर लेना और बजट बना करके योजनाबद्ध तरीके से संगठन बना करके जब आप नेतृत्व करते हैं डायरेक्टिंग करते हैं तो और समन्वय करते हैं अपने स्टाफ की स्टाफ में और एक प्रकार निर्देश देते हैं रिपोर्ट देते हैं एक दूसरे को तो अच्छे तरीके से एक कार से प्रशासन चलता है और लोक प्रशासन में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है चाहे प्लानिंग की बात की जाए चाहे ऑर्गेनाइजिंग की बात की जाए चाहे स्टाफिंग की बात की जाए चाहे डायरेक्टिंग की बात की जाए कोऑर्डिनेटिंग की बात की जाए रिपोर्टिंग की बात की जाए या बजटिंग की बात की जाए सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है और ये पोस्ट कार्ब शब्द से व्याख्या हो जाती है एक प्रकार से किसकी लोक प्रशासन के बारे में ठीक है ये होगा पोस्ट कार्ब के बारे में अगला प्रश्न आपसे पूछा सकता है लोक प्रशासन के विज्ञान होने के पक्ष में तर्क दीजिए तो लोक प्रशासन के बारे में अगर बात बात करें तो कुछ विद्वान इसको कला मानते हैं जैसे कि यल डी हाइट इसको एक कला मानते हैं वो कहते हैं किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अनेक व्यक्तियों का निर्देशन एकीकरण एवं नियंत्रण प्रशासन की एक कला होती है तो प्रशासन एक कला है ठीक है और ख़ास करके लेकिन बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं जैसे कि लोक प्रशासन के को विज्ञान का दर्जा देने में खास करके आप देखते हैं बहुत सारे विद्वान आते हैं लेकिन वो दावे पुराने हैं जो विज्ञान के होने के पक्ष में तर्क दिए जाते हैं बुड्रो बिल्सन का नाम आता है बुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक भी स्वीकार किया जाता है बुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं और अट्ठारह सौ सतासी ईस्वी में लोक प्रशासन का मतलब प्रशासन का विज्ञान उन्होंने कहा था ठीक है लोक प्रशासन को प्रशासन का विज्ञान कहा था कि प्रशासन का विज्ञान है लोक प्रशासन और 1926 सौ ईस्वी में आप देखते हैं डब्ल्यू एफ बिलोबी वो भी एक प्रकार से विज्ञान के पक्ष में तर्क देते हैं वो कहते हैं कि प्रशासन में कुछ ऐसे मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो समान व्यवहार में किसी वैज्ञानिक सिद्धांत के समान होते हैं इसीलिए हम लोक प्रशासन को एक विज्ञान कह सकते हैं अगले विद्वान उन्नीस सौ सैंतीस ईस्वी में आते हैं लुथर गुलिक लुथर गुलिक भी बड़े अच्छे प्रकार से विद्वान हैं और इनके साथ एक व्यक्ति है उर्बिक तो लुथिर गुलिक और उर्बिक इन्होंने लोक प्रशासन के विज्ञान होने के दावे को विश्वास के साथ पेश किया और क्या कहा उसको मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ तो लुथिर गुलिक और उर्बिक महोदय ने कहा उन और ख़ास करके उनकी एक पुस्तक है इन दोनों की पियर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पियर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये ग्रंथ है और इस ग्रंथ में लोक प्रशासन को विज्ञान का दर्जा दिया गया है और इसमें बताया गया है क्यों दर्जा दिया गया उसके कारण बताए गए पहला कारण ये बताया इन लोगों ने कि कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा यानी समय आने पर यानी अभी विज्ञान नहीं है पूर्ण रूप से लेकिन आने वाले समय में जो एक प्रकार से ये है लोक प्रशासन ये एक विज्ञान बन जाएगा ठीक है इसके बाद में इसके बारे में इसके बाद आपको बताऊं इसके बाद दूसरी तर्क ये दिए आते हैं इसके बारे में मतलब विज्ञान होने के पक्ष में कि लोक प्रशासन अपने वर्तमान रूप में एक विज्ञान है भी और ये समय आने पर विज्ञान का रूप धारण भी कर लेगा और तीसरी बात ये बताई कि लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थता और वैज्ञानिकता है इसलिए हम इसको विज्ञान बोलते हैं चार्ल्स बर्थ महोदय कहते हैं विज्ञान होने के तर पक्ष में कि यह एक विज्ञान है क्योंकि इसमें आगमनात्मक विश्लेषण सतर्कता युक्त नियोजन और विवेकपूर्ण साधनों की आवश्यकता होती है और ये सब एक विज्ञान में ही होता है चाहे मैं आगमनात्मक पद्धति की बात करूं चाहे विश्लेषण पद्धति की चाहे सतर्कता युक्त पद्धति की या नियोजन पद्धति की ये सारी पद्धतियां जो होती है ये विज्ञान में प्रयोग की जाती हैं और ये पद्धतियों का प्रयोग एक प्रकार से या मैथड का प्रयोग करके लोक प्रशासन का भी अध्ययन होता है तो कहीं ना कहीं पर यह एक विज्ञान है ऐसे तर्क दिए जाते हैं ठीक है तो ये बात ध्यान रखिएगा जबकि विज्ञान ना होने के पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं लोक प्रशासन को कला मानने वाले विचारकों में आरडबे महोदय एल डी व्हाइट महोदय सब शामिल हैं और कहते हैं कि प्रशासन एक सुंदर कला है क्योंकि वह विशेष गुणों को सहयोगी रचना के आधार पर सुसभ्य और व्यक्तिगत जीवन के अनुरूप बनाती है और तर्क दिया कला होने का कि भाई चूंकि एक पद्धति इसकी वैज्ञानिक उतनी आदि नहीं है विकास भी इसका भी हो ही रहा है और विकास भी वैज्ञानिक विकास नहीं है निश्चित समय भी इसके पास एक प्रकार निश्चित समय नहीं है प्रेरणा देती है चातुर्य युक्ति है अनुभव योग्यता है लेकिन कहीं ना कहीं पे इतने से मान मतलब पद्धति विकास निश्चित समय प्रेरणा चातुर्य युक्ति अनुभव योग्यता से केवल कला होने का एक प्रकार से दावा हो पाता है वैज्ञानिकता का दावा इन सभी फैक्टर से नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं पर लोक प्रशासन ना तो विज्ञान है ना ही कला है अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ या सभी विद्वानों को पढ़ने के बाद मैं कहना चाहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि लोक प्रशासन एक कला भी है और एक विज्ञान भी है ठीक है यानी कि एक अर्धविज्ञान आप मान सकते हो जैसे पॉलिटिकल साइंस है अगला प्रश्न आप देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न है लोक प्रशासन पर कार्यपालिका किस प्रकार नियंत्रण रखती है फटाफट पड़ से आप बताने का प्रयास करेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के दृष्टि से तो लोक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण रखती है इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि प्रत्येक प्रशासन पर कार्यपालिका किस प्रकार से नियंत्रण रहता है कार्यपालिका का सभी जानते हैं चूँकि संसदीय शासन में तो प्रशासन पर कार्यपालिका समुचित नियंत्रण रखती है प्रशासनिक कर्मचारी जो होता है अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं और कभी कभी कार्यपालिका के निर्देशों की परवाह नहीं करते हैं जो शासन के व्यक्ति होते हैं जो एक प्रकार से पुलिसकर्मी होते हैं और ख़ास करके लेकिन करना पड़ता है जैसे कि आप देखते हैं कि जो आ, संसद मतलब कि सांसद विधायक होते हैं वो कहते हैं तो पुलिस वाले लोग काम करते हैं उनके कहने पर ही आजकल तो ऐसे आप देखिए लेकिन करना नहीं चाहिए तो लोक प्रशासन पर कार्यपालिका नियंत्रण रखती है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ठीक है क्योंकि लोक प्रशासन पर कार्यपालिका द्वारा नियंत्रण कई प्रकार से किया जाता है पहली बात तो भाई नीतियों का निर्धारण करना शासन की नीतियों का निर्धारण कौन करता है मुख्यतः कार्यपालिका ही करती है ठीक है और प्रशासन इस नीति से अलग हट करके कोई कार्य नहीं कर सकता तो सबसे पहली बात जो का जो नियम कायदे बनाए गए हैं वो किसके द्वारा वो कार्यपालिका के द्वारा ही बनाए गए हैं और उसी नियमों कायदों को पालन करना उन्हीं को आगे बढ़ाना उन्हीं को क्रियान्वित करना है लोक प्रशासकों के द्वारा ठीक है तो पहली बात तो यहीं से यानी कि कूपन भांग पड़ी है यानी कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वही बनाते हैं कानून नियम कायदा सब ठीक है और उन्हीं पर चलते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो दूसरी बात इस तरीके से नियुक्ति स्थानांतरण या निष्कासन का अधिकार चूंकि इन्हीं के पास है कार्यपालिका के पास प्रशासकों की नियुक्ति स्थानांतरण और निष्कासन का अधिकार कार्यपालिका को प्राप्त है यदि प्रशासकों के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किया जाता है तो मुख्य कार्यपालिका उन्हें क्या कर देती निलंबित कर देती है या उनको ट्रांसफर कर देती है उनका या उनका निष्कासन कर देती है ठीक है तो ये एक प्रकार से ये भी अधिकार उन्हीं के पास है तीसरा इस प्रकार से नियंत्रण रखती कार्यपालिका बजट का निर्माण करके बजट का निर्माण कार्यपालिका ही करती है चुकी और बाद में उसकी स्वीकृति विधायिका के द्वारा ली जाती है लेकिन कार्यपालिका बजट का निर्धारण कर दे और बजट में लोक प्रशासन पर कोई खर्चा ही ना करे या जो भी करना हो उसका वही कर सकती है तो कहीं ना कहीं पर ये बजट का निर्माण चुकी कार्यपालिका करती है इसलिए इसमें भी नियंत्रण रखती है चौथी बात लोक सेवा संहिता का निर्माण भी लोक सेवकों के लिए आचार संहिता का निर्माण कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है और उन आचार संहिताओं का तो पालन प्रशासकों को करना पड़ता है और खास करके उनके द्वारा पालन नहीं किया जाता तो कार्यपालिका सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करती है तो कहीं ना कहीं पे कई कही प्रकार से नियंत्रण रखती है कार्यपालिका किस पर लोक प्रशासन पर ठीक है और इसके अलावा लोकमत से अपील भी एक प्रकार से कर सकते हैं तो कई प्रकार की चीज़ तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि विधायिका एवं न्यायपालिका की तरह कार्यपालिका जो है या भी प्रशासन पर नियंत्रण रखती।, तो रखती है तो विधायिका भी नियंत्रण रखती है कार्यपालिका भी नियंत्रण रखती है और एक प्रकार से न्यायपालिका भी नियंत्रण रखती है सभी नियंत्रण रखते हैं कार्यपालिका कार्यपालिका नियंत्रण रखती है लोक प्रशासन पर ठीक है चूँकि कार्यपालिका जो होती है एक प्रकार से प्रशासन पर भी नियंत्रण रखती है व्यवस्थापिका भी लोक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है विधायिका भी नियंत्रण रखती है ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा कार्यपालिका में जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वही शामिल होते हैं ठीक है ठीके? ये बात ध्यान रखिएगा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन साहब का लोक निगम को नियंत्रित करने की विधियां क्या हैं बताएं तो लोक निगम को नियंत्रित करने की कई विधियां हैं ठीक है और खास करके संसदीय मंत्रिमंडल नियंत्रण विधि को अपनाया जाता है लोक निगम को नियंत्रित करने के लिए तो संसदीय नियंत्रण विधि की अगर बात की जाए तो लोक निगम पर संसदीय नियंत्रण आवश्यक इसलिए माना जाता है क्योंकि सरकारी निगम में जनता का धन लगा हुआ होता है और संसद द्वारा द्ध नियंत्रण का उद्देश्य केवल मौलिक नीतियों का निर्धारण करना नहीं होता है बल्कि उसके कार्यों का निरीक्षण करना परिवेक्षण करना सही चल रहा है काम या गलत चल रहा है ये सब होता है संसद जो होती है वो लोक निगम पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सम उसके संबंध में प्रश्न भी पूछ सकती है उससे और उसका उत्तर देना पड़ता है लोक निगम के लोगों को संसद जो है निगम के बजट और पूरक बजट पर भी बहस कर सकती है ऑडिटर जनरल के प्रतिवेदन पर संसद में बहस भी हो सकती है और कुल मिलाकर के प्रत्येक देश में इन्हीं तरीकों के द्वारा विधानमंडल लोक निगम को नियमित करता है नियंत्रित करता है ठीक है लोक निगम के द्वारा जिससे लोगों का हित होता है पब्लिक का एक प्रकार से हित होता है ठीक है संसद के द्वारा नियंत्रण हो गया दूसरा नियंत्रण होता है लोक निगमों पर मंत्रिमंडल के द्वारा तो सरकारी निगम पर उस निगम से संबंधित जो मंत्री होते हैं अथवा पूरे मंत्रिमंडल का भी नियंत्रण आप मान सकते हो ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा जैसे कि अगर बात की है सरकारी निगम के बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति मंत्री द्वारा ही की जाती है उस विभाग के जो मंत्री होते हैं उस विभाग के मंत्री ही करते हैं जैसे वित्त मंत्रालय के द्वारा आप देखते हैं जो वित्तीय है जो एक प्रकार से लोक निगम होते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है उनके कर्मचारियों कर, की ठीक है नियुक्ति की जाती है इसी प्रकार से अन्य चीज़ों की दूसरी बात दूसरी बात ये है कि भाई मंत्रिमंडल निगम की समान नीति से संबंधित विषयों में परामर्श देना या निर्देशन भी प्राप्त करता है ये भी एक प्रकार से मंत्रिमंडल नियंत्रण रखता है इसके अलावा सरकारी निगम पर सरकार के द्वारा आर्थिक प्रतिबंध भी लगा करके आप देखते हैं कि जो है लोक निगम को नियंत्रित किया जा सकता है क्योंकि मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो संसद के ही सदस्य होते हैं ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए प्रश्न संग, संगठन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे संगठन के बारे में संगठन क्या होता है संगठन के प्रमुख सिद्धांत की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा देश के प्रशासन को चलाने के लिए संगठन अनिवार्य होते हैं और सरकार जब किसी नए कार्य को करने के लिए निर्णय लेती है तो संगठन को बनाना पड़ता है संगठन बनाती है सरकार ठीक है और ख़ास करके इसके कई सारे काम होते हैं संगठन के क्या क्या सबसे पहला जो सिद्धांत है इसका वो होता है प्राधिकार का प्राधिकार का मतलब होता है कि उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी जो कर्मचारी होते हैं यानी उच्च अधिकारी होता है और एक उनके अंडर में कई सारे कर्मचारी होते हैं तो जो उच्च अधिकारी होता है वो अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश देता है और कानूनी तौर पर अधीनस्थ कर्मचारी का यह दायित्व तो भी होता है कि उन आदेशों का पालन करना पड़ता है तो प्राधिकार सबसे पहला संगठन में प्राधिकार पहला सिद्धांत क्या है प्राधिकार का नहीं आदेश देना जो बड़े ने मतलब कि जो बड़े अधिकारी है वो छोटे अधिकारियों को या छोटे कर्मचारियों को एक प्रकार से कर्तव्य सौंपते हैं कि इसका अधिकारी ये आपको करना है तो वो करते हैं ठीक है दूसरी बात नेतृत्व नेतृत्व मतलब ये दूसरी दूसरा सिद्धांत होता है संगठन का नेतृत्व में नेतृत्व तो एक प्रकार से एक आ, ऐसी प्रक्रिया का नाम है जो संगठन के सदस्यों में सूझबूझ पैदा करता है मोटिवेशन देता है नेतृत्व के द्वारा नेता लोग ही तो देते हैं आदित्य कोई संगठन का जो मुखिया होता है वही लगातार क्या करता है मोटिवेट करता रहता है लोगों को ठीक है अगर मुखिया ही कहते नहीं कि एक जो लहाबिना नौ सौ नौ सौ जो है व्यापारी बूढ़ के मर गए तो वो वही है एक प्रकार से कि भाई अगर नेतृत्व करता सही नहीं है तो आप कोई भी चीज़ जीत नहीं सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न अगला ये तो ये दूसरा सिद्धांत तीसरा सिद्धांत है पद सोपान पद सोपान का मतलब होता है उच्च और निम्न अधिकारियों के आपसी संबंधों को पद सोपान कहते हैं कि भाई उच्च और जो निम्न कर्मचारी है और अधिकारी है उनके बीच का जो तालमेल है जो समन्वात्मक विचार है उनको हम बोलते हैं पद सोपान किस पद पर कौन है और किस पद पर कौन है पद की गरिमा मर्यादा रहना और आदेश का पालन करना ये सारी चीज़ें रिस्पेक्टफुल पेश आना ये सब एक प्रकार से आपसी संबंधों को पद सोपान बोलते हैं ठीक है चौथी बात है समन्वय समन्वय की बात किया की तो भिन्न भिन्न सदस्य जो होते हैं अलग अलग कार्य करते हैं और लेकिन उनमें सहयोग का होना आवश्यक है कि भाई अगर आपका काम ये है और कहीं पर हमारा काम थोड़ा पीछे रह रहा तो आप करवा दें और आपका काम पीछे रहता तो थो थो थोड़ा हम करवा दें इस प्रकार से क्या होता है समन्वय भी रहता है तालमेल बना रहता है और पाँचवा सिद्धांत होता है संगठन का आदेश की एकता चूँकि प्रत्येक अधिकारी को अपने से उच्च केवल एक ही अधिकारी से आदेश ग्रहण करना चाहिए तो ये इससे आदेश में एकता बनी रहती है और आदेश अच्छे तरीके से पालन भी हो जाता है उसका छठा होता है नियंत्रण नियंत्रण में मतलब क्या होता है नियंत्रण से तो प्रत्येक उच्च अधिकारी जो होते हैं उनके जो अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं या निम्न कर्मचारी जो होते हैं उनके कार्यों पर नियंत्रण रखता है जो उच्च अधिकारी होता है इसके अलावा सातवां सिद्धांत है हस्तानांतरण हस्तांतरण का मतलब होता है प्रत्यायोजन जिसको आप बोलते हैं तो जब उच्च अधिकारी अपने अधिकार या किसी अन्य निम्न अधिकारी को अपना कार्य सौंपता है तो आप उसको अपने शक्तियों का हस्तांतरण करता वाला अपनी शक्तियों को देता है अपने काम को कि भाई तू जाए ये काम कर ले ऐसा बोलता है तो ये एक प्रकार से क्या हस्तांतरण होता है अपने कार्यों को सौंपना अपने एक प्रकार से पावर को उसको दे देना ठीक है और आठवां सिद्धांत है इसका किसका भाई संगठन का निर्णय लेना प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को बड़ी सूझबूझ के साथ अपने निर्णय लेने पड़ते हैं तो यह भी एक प्रकार से निर्णय लेना भी एक सिद्धांत होता है संगठन का संगठन को चलाने के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं प्राधिकार नेतृत्व पद सोपान समन्वय आदेश की एकता नियंत्रण हस्तांतरण निर्णय लेना ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे अगला प्रश्न है आपको और करके दिया गया अथवा औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है बताने का प्रयास करेंगे औपचारिक तो और अनौपचारिक संगठन की अगर बात की जाए तो औपचारिक संगठन जो होता है यह जानबूझ करके बनाया जाता है और औपचारिक संगठन अधिकारों के प्रत्यायोजन के सिद्धांतों पर आधारित होता है पूर्णता आव्यक्तिगत होता है औपचारिक संगठन प्रत्येक स्तर पर स्थिति अधिकार उत्तरदायित्व तो इसको परिभाषित किया जाता है औपचारिक संगठन में और उनकी व्याख्या भी कर दी जाती है और औपचारिक संगठन में प्राय संगठन चार्टों का निर्माण और प्रयोग भी किया जाता है आदेश की एकता का पालन किया जाता है श्रम विभाजन भी होता है इसमें ठीक है औपचारिक संगठन में जबकि अनौपचारिक संगठन की अगर बात की जाए तो अनौपचारिक संगठन जो होता है स्वतः उत्पन्न होता है बनाया नहीं जाता है स्वतः बनता है और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए बनाया गया सामाजिक ढांचा होता है औपचारिक चार्ट में स्थान मतलब कि स्थान नहीं रखता है अनौपचारिक होता है ये तो यही सारा अंतर है पहला अंतर आप लिख लीजिए यह अधिकार के प्रत्यायोजन के कारण से निर्मित होता है पहला अंतर औपचारिक संगठन औपचारिक संगठन क्या होता है अधिकार के प्रत्यायोजन के कारण से बनता है जबकि अनौपचारिक संगठन लोगों की सामाजिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है दूसरा अंतर औपचारिक संगठन के अंतर्गत लोगों के मतलब तो लोगों का कार्यों पर बल दिया जाता है मतलब कि लोगों के कार्यों पर बल दिया जाता है जबकि अनौपचारिक संगठन में जो है लोगों तथा उनके संबंधों पर बल दिया जाता है ठीक है और औपचारिक संगठन जानबूझ करके बनाया जाता है जबकि औपचारिक अनौपचारिक संगठन एक प्रकार से मनमर्जी मतलब अपने मन से ही बन जाता स्वतः ही और स्वाभाविक रूप से बन जाता है ठीक है चौथा अंतर लिख सकते हो औपचारिक जो संगठन होते हैं अधिकार किसी पद से संबंधित होते हैं जबकि अनौपचारिक अधिकार जो होते हैं वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित होते हैं पाँचवा अंतर आप लिख सकते हो के निय जो औपचारिक संगठन के नियम होते हैं कर्तव्य होते हैं उत्तरदायित्व होते हैं लिखित रूप में निर्धारित होते पहले से भाई फलाने व्यक्ति का ये काम होगा ऐसे काम करना है उसका पद ये है ऐसे दुनिया भर का चीज़ लिखी होती है जबकि अनौपचारिक संगठन में कोई ब्यौरा लिखा नहीं होता है इसमें नियम और परम्पराएँ जो होती हैं वो चलती हैं और अलिखित होती हैं कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता ठीक है कई सारी चीज़ें और अनौपचारिक जो मतलब औपचारिक संगठन अस्थाई होता है जबकि आप देखते हैं अनौपचारिक संगठन अस्थाई होता है ये बात ध्यान रखिएगा तो यही सारे अंतर हो गए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है चौथा नंबर प्रश्न देखिएगा नेतृत्व से आप क्या समझते हैं और एक अच्छे नेतृत्व के प्रमुख कार्य बताइए बढ़िया प्रश्न है तो नेतृत्व के बारे में अगर बताऊँ मैं आपको नेतृत्व क्या है भाई तो प्रशासन में नेतृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है आपको पता होगा बिना नेतृत्व के आपको मैंने बताया कि भाई 900 सौ चूल्हा डूब करके मर जाते हैं अगुआ के बिना तो किसी प्रशासनिक संगठन की सफलता और विफलता निर्भर करती है नेतृत्व पर कि नेतृत्व कैसा हुआ है नेतृत्व से तात्पर्य होता है नेतृत्व करने वाले व्यक्ति से ठीक है कि नेता कैसा है मुखिया कैसा है इसके अलावा इसकी परिभाषा को देते हुए आरडवे टी महोदय कहते हैं कि नेतृत्व उस गुणों के संयोग का नाम है जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने की योग्य होता है विशेष करके उसके प्रभाव के द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं जैसे कि आप देखते हैं नेतृत्वकर्ता तो जैसे है कि गांधी जी उस समय भीमराव अम्बेडकर जी ठीक है सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी चंद्रशेखर आजाद जी इसी प्रकार से भगत सिंह जी ये सब नेतृत्वकर्ता अच्छे नेता थे गांधी जी सबसे बड़े नेता मैं आपको गांधी जी को मानता हूँ क्यों मानता हूँ क्योंकि उनके पीछे पूरा भारतीय समाज था आप देखिए डंडी मार शुरू करते हैं कुछ लोग चलते हैं और पीछे पीछे पूरा सैलाब जन सैलाब कारवा कहते हैं कि मैं चलता गया और कारवा बनता गया तो कहीं ना कहीं पे जन सैलाब पीछे चले थे कुछ लोग डंडी यात्रा के लिए पीछे देखा कि भाई जो देख रहा है गांधी जी जा रहे हैं अरे चलो मैं भी चलता हूँ तो एक प्रकार से एक गांधी एक व्यक्ति नहीं है गांधी एक नेता है गांधी नेतृत्व करने में सबसे सक्षम व्यक्ति है पूरे इतिहास में अगर आप आग देखिएगा तो गांधी ऐसा नेतृत्व आपको नहीं मिलेगा आधुनिक इतिहास की मैं बात कर रहा हूं ठीक है तो वो नेतृत्व करता है तो एक अच्छे नेतृत्व में या नेतृत्व के करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ एक अच्छे नेतृत्व के प्रमुख कार्य ये होते पहला कार्य ये होता है कि अधीनस्थों की भावनाओं और समस्याओं को समझना यानी जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं या जो आपको सुनते हैं आपको फॉलो कर रहे हैं उनके जो समस्याएं हैं उनके जी उनके जो इमोशंस हैं उनको भी समझना चाहिए ठीक है दूसरी बात अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त करना आप अगर उनका सहयोग करेंगे तो वो भी आपका सहयोग करेंगे तो इस चीज़ को ध्यान में रखना तीसरी बात समन्वय बनाए रखना तालमेल बनाए रखना दोनों के बीच में मतलब नेतृत्वकर्ता और जो आपके प्रभाव से नहीं जो आपके फैन वगैरह हैं ठीक है चौथी बात अनुशासन बनाए रखना ये भी अच्छे नेतृत्वकर्ता का कार्य होता है पांचवी बात आदेश देना ठीक है छठी बात अनुयायियों के विचारों को प्रभावित करना सातवीं बात संगठन के प्रति निष्ठा बनाए रखना ये सारे कार्य होते हैं एक अच्छे नेतृत्वकर्ता के आगे बढ़ते अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका आ चुका है देखिएगा अथवा करके दिया गया आर करके न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे कायम की जा सकती है फटाफट से आप बताइएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता कैसे कायम की जा सकती भाई तो न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए अगर किसी देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो मैं आपको मतलब सरकार का अगर अगर नेतृत्व तो हो गया सरकार का हस्तक्षेप अगर न्यायपालिका में हुआ तो एक प्रकार से जान लीजिए कि जो है लोकतंत्र चौपट हो गया लोकतंत्र फिर बचने वाला नहीं है अगर सरकार के द्वारा हस्तक्षेप हो गया न्यायपालिका में हालांकि यह प्रत्यक्ष रूप से तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं पे बहुमस्जित सरकार होती है तो लेकिन होता नहीं है जर्नली ऐसे जल्दी क्योंकि न्यायपालिका में बहुत ज्ञानी लोग बैठे हुए होते हैं बहुत विद्वान होते हैं जो जज होते हैं जो वकील होते हैं बहुत ज्ञानी होते हैं बड़े स्तर के ज्ञान उनके पास होता है लगातार जब दस बारह साल वकालत करते हैं दस साल तक तब जा के सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं वो तो ऐसे नहीं बन जाते हैं जज बड़ी मेहनत करती है करनी पड़ती जज बनने के लिए तो बहुत ज्ञान अर्जित करना पड़ता है ऐसे नहीं कि भारत को वकीलों का स्वर्ग भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है क्यों भारत का संविधान बड़ा जटिल है बहुत कठिन भाषा में लिखा गया है और इसके लिए एक वकील की ज़रूरत पड़ती है और कहीं ना कहीं पे ये एक आलोचना भी की है विद्वानों ने और इसकी एक प्रकार से ये भी है कि भाई एक व्यक्ति मतलब वकीलों का एक प्रकार से रोजी रोटी इसी से चल जाती है ठीक है क्योंकि जटिल चीज़ है तो उसको एक आम आदमी नहीं समझ पाता धारा वाला को कौन सी धारा है दुनिया भर का टीम टाम ठीक है ये बात ध्यान रखिएगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कायम करने के लिए कई सारी बातों को आपको ध्यान करना रखना रखना होगा पहली बात पहली बात न्यायाधीशों के लिए उच्च योग्यता निर्धारित यानी एबिलिटी उनकी उच्च होनी चाहिए और बिल्कुल यह है भी भारत में दूसरी बात न्यायाधीशों की नियुक्ति एक प्रकार से भी अच्छे तरीके से की जानी चाहिए ताकि इस पर भी एक प्रकार से स्वतंत्रता रहे ठीक है तीसरी बात न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जाए इससे क्या होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और बढ़ती है ठीक है चौथी बात यह कि न्याय न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन दिया जाए तथा पदोन्नति के अवसर मिले ताकि वह एक प्रकार से कोई गलत काम करने के लिए उत्सुक ना हो या किसी का रिश्वतखोरी या दुनिया भर का किसी सरकार के चंगुल में ना फंसे उनका वेतन अगर अच्छा रहेगा मेंटेन रहेगा तो वो अच्छे तरीके से कार्य करेंगे पदोन्नति को उनको अवसर मिलेगा अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन करा जाए तो इससे क्या होगा कि वो अपने कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाएंगे ठीक है तो ये चीज होती है पाँचवा ये होता है तो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को ऐसे हम कायम रख सकते हैं इसके अलावा छठी बात यह है कि भाई न्यायाधीशों के पद की सुरक्षा की जाए ताकि एक प्रकार से उसकी पद की सुरक्षा नहीं रहेगी तो उसको अगर अपने पद की टेंशन रहेगी तो वो भी गलत काम है भ्रष्टाचार में, में लिप्त तो हो सकता है जब किसी को लगे कि भाई हमारी कुर्सी जा रही तो काफ़ी हद तक गिर भी सकता है कोई व्यक्ति कोई भी व्यक्ति हो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ किसी के बारे में कोई भी व्यक्ति हो जब उसको ऐसा लगेगा कि भाई हमको एक प्रकार से डर है कि कहीं कार्यपालिका का लोग है या संसद की बात मैं अगर नहीं मानूंगा या कोई नेता है बड़ा नेता है प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है उसका कहना मैं अगर नहीं मानूंगा तो हमारी कुर्सी चली जाएगी तो अगर उसको ऐसा भय है तो लोग एक प्रकार से सरकार के पक्ष में फैसला सुना देते हैं दे देते हैं फैसला तो कहीं ना कहीं पे स्वतंत्रता होनी चाहिए इस मामले में कि भाई उसका पद सुरक्षित होना चाहिए ताकि उसको कोई टेंशन ना हो कि अगर मैं अगर सरकार के विरुद्ध में भी निर्णय दे दिया तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं या सरकार के जो मुखिया हैं वो हमको हटाने के सक्षम नहीं हैं तो जब ये निर्णय मतलब ये सही चीज़ें हो जाएंगी तो एक प्रकार से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कायम की जा सकती है इसके अलावा अवकाश प्राप्ति के बाद व्यवसाय निषेध कर देना चाहिए यानी कि अगर मैं आपको बताऊं जब व्यवसाय एक प्रकार से ख़त्म हो जाए या जब उनकी पदोन्नति हो जाए मतलब पदोन्नति बोल रहा हूँ पदच्युति हो जाए पदच्युति माने होता है पद से हटना या एक प्रकार से रिटायर हो जाना किसी व्यक्ति का पद से रिटायर हो जाना उसको पदच्युति बोलते हैं हिंदी में तो जब कोई व्यक्ति पदच्युत हो जाए उसके बाद में यानी कि रिटायर हो जाए तो रिटायर के बाद में उसको नौकरी ना मिले न्यायाधीश को तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो स्वतंत्रता कायम रह पाएगी और स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगी ठीक है आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन साहब देखिएगा लोक कर्मचारियों की भर्ती के लिए कौन कौन सी विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं तो लोक कर्मचारियों को एक प्रकार से भर्ती करने में मुख्य रूप से दो विधियां काम में आती मैंने आपको बताया भी था पहली विधि होती है सीधी भर्ती और दूसरी विधि होती है पदोन्नति के द्वारा ठीक है पहली भर्ती सीधी भर्ती में क्या होता है कि लोग कर्मचारियों की भर्ती जब खुले बाजार में प्रतियोगिता परीक्षा रखी जाती है जैसे यस एस Uh, में एक प्रकार से एस एस सी परीक्षा करवाने वाली एक संस्था है वो परीक्षा करवाती है और परीक्षा करवा करके जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनको सेलेक्ट करती है और उसके बाद में वो प्रशासनिक कार्यों में वो लोग जाते हैं या बैंक में जाते हैं या आई uh, एस की परीक्षा यू पी एस सी परीक्षा करवा ली वो फिर आई ए एस बना यू पी एस सी के द्वारा ही आई ए एस बनते हैं आई पी एस बनते हैं आई एफ एस बनते हैं ठीक है पी सी एस बनते हैं तो कहीं ना कहीं पर ये सारी चीज़ें होती हैं और पी सी एस की भी परीक्षा होती है तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा कि डीएम एसडीएम एसपी कलेक्टर कमिश्नर ये सब ये सब किससे बनते सीधी भर्ती के द्वारा तो या तो भाई कोई व्यक्ति है जो है एक प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा ने कंपटीशन की परीक्षा पास करे और सीधे तौर पर वो क्या हो जाए अपने टैलेंट का प्रयोग करके वो एक प्रकार से अधिकारी बन जाए कर्मचारी बन जाए ठीक है ये तो ये सीधी भर्ती दूसरा भर्ती एक दूसरा एक प्रकार से कर्मचारी की भर्ती होती है पदोन्नति के द्वारा पदोन्नति का मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति लगातार कोई काम कर रहा है लगातार किसी एक पद पर ठीक है छोटे पद पर हुआ अब वो लगातार काम कर रहा है निष्ठा है अच्छा पदोन्नति दो तरीके से होती है एक तो भाई वरिष्ठता या ज्येष्ठता के आधार पर और एक होती है आपकी पदोन्नति आपकी योग्यता के अनुसार तो कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसने अपनी योग्यता के दम पर क्या किया एक प्रकार से अच्छा काम किया तो उसको पद उन्नति हो गई उसकी यानी वो एक प्रकार सिपाही था पुलिस का और वो उसको बना दिया गया दरोगा ठीक है और एक दरोगा की सीधी भर्ती एस आई की परीक्षा होती है उसमें जो व्यक्ति पास होता है दरोगा बनता है सब इंस्पेक्टर बनता है तो एक प्रकार से ये होता है तो एक तो डायरेक्ट हो गया भाई सब इस इंस्पेक्टर की परीक्षा पास करके और एक हुआ कि सिपाही की परीक्षा पास करके सिपाही बना और सिपाही के बाद में उसकी पदोन्नति हुई फिर उस पद पर वो गया ठीक है ये दो तरीके से हम लोग कर्मचारियों की भर्तियां करते हैं ठीक है तो ये हो गया आपका पांचवा प्रश्न अगला प्रश्न आप देखिएगा अगला प्रश्न पद सोपान क्या है इसके गुण बताइए आर करके आपको प्रश्न दिया गया पद सोपान पद सोपान के बारे में आप प्रश्न आपसे पूछा गया बढ़िया प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से पद सोपान की अगर बात की जाए तो पद सोपान जो होता है ये उच्च और निम्न अधिकारियों के आपसी संबंध जो होते हैं उन्हीं संबंधों को हम क्या बोलते हैं पद सोपान बोलते हैं शासन के निर्धारित नीतियों का कार्यान्वयन लोक सेवकों के माध्यम से होता है और लोक सेवा में एक ही योग्यता के व्यक्तियों को अलग अलग पदों पर कार्य करना पड़ता है और एक समान योग्यता के व्यक्तियों को किस प्रकार भिन्न भिन्न उत्तरदायित्व के पद दिए जाएं इस समस्या का समाधान ही पद सोपान की व्यवस्था कहलाती है और कौन लोक सेवक किस लोक सेवा कुछ लोक सेवक का आदेश मानेगा कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा कौन किसके अधिकारों को मानेगा कौन अधिकार देगा कौन अधिकार को मानेगा ठीक है कौन किसको को सल्यूट मारेगा ये सारी व्यवस्था पद सोपान के अंतर्गत ही होती है फिफनर महोदय कहते हैं इसके बारे में कि सत्ता और शक्ति के सूत्र जब आगे और पीछे एक सूत्र में संबंध हो जाएँ जिसमें आधार अधिक व्यापक तथा शीर्ष संकुचित हो जाता है तो पद सोपान की व्यवस्था वही कही जाती है अर्शलाथम कहते हैं कि पद सोपान की रचना पिरामिड की तरह होती है जिसमें शीर्ष का आकार बहुत ही कम होता है और आधार बहुत ही चौड़ा होता है पिरामिड मतलब ऐसा ठीक है तो शीर्ष बहुत ही पतला हो गया इसका यानी यहाँ पर कोई उच्च अधिकारी बैठा एक देखती फिर उसके नीचे एक प्रकार से आप देखते हैं दो तीन व्यक्ति हो गए ठीक है फिर उसके नीचे चार पांच व्यक्ति हो गए फिर उसके नीचे पद पर पांच छः व्यक्ति हो गए फिर उससे नीचे आठ दस व्यक्ति हो गए फिर उससे नीचे एक प्रकार से लगभग बीस पच्चीस व्यक्ति हो गए तो इसका कहना ये तीन व्यक्ति मानेंगे इन तीनों का कहना ये एक प्रकार से छः व्यक्ति मानेंगे इन छः का छः का कहना ये बारह व्यक्ति मानेंगे इन बारह का कहना ये एक प्रकार से चौबीस व्यक्ति मानेंगे इन चौबीस का कहना अड़तालीस मानेंगे इस प्रकार से क्या होता है ये पद सोपान बनता है एक प्रकार से पद का वर्गीकरण किया आता है पद सोपान में संगठन से नीचे आ, से ऊपर तक संचार व्यवस्था स्थापित होती है कि भाई आ, जो ऊपर बैठा है पिरामिड का यानी यहाँ पर जो बैठा है यहाँ से संबंध यहाँ तक भी होता है और बीच के संबंध भी होते हैं ठीक है परस्पर सभी का संबंध होता है नीचे से ऊपर तक संचार व्यवस्था स्थापित होती है ताकि यहाँ से कोई निर्णय अगर किया जाए शीर्ष पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है तो सब सभी तक पहुँच जाए ठीक है दूसरी बात संगठन में एक रूपता होती है ठीक है पद सोपान में तीसरी बात इसमें सत्ता का प्रदत्तीकरण भी सरल हो जाता है चौथी बात पद सोपान उत्तरदायित्व सौंपने का एक मतलब आवश्यक साधन भी है इसके अलावा पद सोपान के द्वारा प्रशासनिक नेतृत्व का विकास सरल हो जाता है इसके अलावा पद सोपान में निर्णय प्रणाली सुनियोजित होती है और अधीनस्थ अधिकारी का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण होता है और निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से इसमें लिया जाता है तो ये है आपका पद सोपान जिसके बारे में हमने बताया पद सोपान को मिलाकर के आज्ञाओं की एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था होती है और यह एक ऐसा प्रवाह होता है जिसमें सूचना परामर्श निर्देश आज्ञा प्रशंसा की धारा ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है ठीक है और इस व्यवस्था में जो शीर्ष पर व्यक्ति बैठा हुआ होता है एकदम हेड पर यानी जो मालिक होता है अधिकारी होता है बड़ा उस जो शीर्ष पर बैठता है वह व्यक्ति शक्तिशाली सत्ता संपन्न माना जाता है और उत्तरदायित्व उसको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है और यही व्यक्ति अपने अधीनस्थ लोक सेवकों पर शासन करता है और उनको कार्य बताता है कि भाई तुमको क्या करना है तुमको क्या करना सारे व्यक्तियों के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारण का काम वही करता है तो एक प्रकार से ये हो गया आपका पद सोपान के बारे में तो आपने लगभग दस लग उत्तरीय प्रश्नों को जान लिया दस अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जान लिया बाकी महासंग्राम वीडियो आप देख लीजिएगा उसमें और भी प्रश्नों के उत्तर को और प्रश्नों को बताया गया है आप लोग देख लीजिएगा तो अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये बड़े बड़े प्रश्न होते हैं तो इनको बताने में काफ़ी समय लग जाएगा तो आप लोग इनको आप पढ़िएगा बाकी माड़ा महासंग्राम वीडियो देख लीजिएगा उसमें आपको मिल जाएगा हालांकि इतनी जानकारी हमने दे दी यही आपके लिए बहुत ज़्यादा है ठीक है आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा और जो हमारा दो का एक माड़े पेपर और है और एक दो का माड़े पेपर एक दो माड़े पेपर होंगे तो उन सभी माड़े पेपर को आप देख लीजिएगा आपका काम हो जाना है दो प्रश्न आपको करने खंडसा से पांच सौ शब्दों में इन प्रश्नों के उत्तर को आपको लिखना है पहला प्रश्न है भारत जैसे विकासशील देश के लिए लोक प्रशासन के महत्व की व्याख्या कीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा विभाग की एकल यानी ब्यूरो और बहुल यानी बोर्ड एकर माने होता है कि कोई विभाग बना है तो कोई विभाग बनता है तो उसमें एक ही मुखिया होता है शीर्ष में तो उसको बोलते हैं ब्यूरो पद्धति और एक होता है बहुल यानी बोर्ड पद्धति यानी कि एक बोर्ड बैठता है एक पैनल होता है मुखिया के रूप में मतलब कोई एक व्यक्ति शासन नहीं करता है उसमें बोर्ड होता है तो बोर्ड अधिकता से आप क्या समझते हैं इसके गुण और दूसरों की विवेचना कीजिए इसके बारे में एक माड़े पेपर में हमने पूरा विस्तार से बताया तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अगला प्रश्न आप देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न लोक प्रशासन पर विधायी नियंत्रण की विधियों की विवेचना कीजिए विधाई नियंत्रण माने जो व्यवस्थापिका की एक प्रकार से नियंत्रण है उसके बारे में बताना है संसद के बारे में अगला प्रश्न लोक सेवाओं में पदोन्नति की विभिन्न आधार क्या है और उनके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए बढ़िया प्रश्न है और पाँचवा क्वेश्चन से आप देखिएगा राजनीति शास्त्र समाज शास्त्र इतिहास भूगोल इन सभी के साथ लोक प्रशासन का संबंध बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा में प्रश्न आपका आता है तो कुल मिलाकर के ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा के, के दृष्टि दे से बहुत महत्वपूर्ण थे के केवल इनमें से केवल दो प्रश्न आपको करने हैं पाँच शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है बात ध्यान रखिएगा दो प्रश्न करने हैं पाँच प्रश्नों में से छाट करके तो दो प्रश्न आपको बड़े आसानी से आ जाएंगे लघु उत्तरी में हमने जो चर्चा करी वहीं से आप एक प्रकार से हल कर पाएंगे और समझ पाएंगे इन चीज़ों को तो आप सभी लोग जो वीडियोस पहले से पड़ी हुई है और महासंग्राम वीडियो जो पड़ी हुई उनको देख लीजिएगा आपका काम हो जाना है धन्यवाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जयं जय जै भारत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा शेयर कर दीजिए वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने ताकि सभी दोस्त आसानी से पढ़ सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके धन्यवाद बहुत बहुत